ये फैंस के उसमें डूब डूब के थक चुके हैं यार, हर बारी हम कहीं। सड़क पे चलते थे, लोग भाई साहब बोलते थे, अच्छा नहीं लग रहा था। हाँ यार, कहीं भी क्राउड पे जाओ वो बस कंधे पे ही उठा के घुमाते रहते हैं। मेरे पैरों ने जमीन नहीं छुई इतने दिनों से, तो अब हम चाहते हैं थोड़ा सा डाउनफॉल आए ताकि मैं ह्यूमिलिटी सीखूं। और क्या रिग्रेट है? है बहुत सारी, बस मुझे एक तो एक लड़की पे मैंने विश्वास करके उसको उधार दे दिया पैसा। आपके पसंदीदा भड़वे लौट चुके हैं। वाह भाई। नहीं, अच्छा ये मैंने हम नहीं, वो एक ये भी था कि कब डालोगे भड़वे, या कुछ ऐसे इसने लिखा हुआ था, कहाँ गायब हो गए I'm भड़वे। not surprised. इस तरह की बात लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। उस टाइम जब तारीफ करते थे तब भी टॉक्सिक ही करते थे। दैट्स नॉट जो रॉन्ग। क्रिएट किया है भाई, देखो इकोसिस्टम, उसमें तुम कंप्लेन नहीं कर सकते। अब जब तुमने बोला ही है 20 एपिसोड में चिल्ला चिल्ला के बोला, असली मर तो यही करेंगे। नहीं बट एक्चुअली जब वो तारीफ कर रहे थे तो हमें तो लगा था कि हमने आयरॉनिकली बोला अपने आप को असली मत, ये भी आई थिंक आयरॉनिकली तारीफ कर रहे हैं। तो वो तारीफ भी वैसे नहीं ली थी मैंने कि ये जेन्युइन तारीफ हो रही है, ये तो वैसे लगा था कि आप हमारे गेम का हिस्सा है ना कि Which is true. या Most of them are, कुछ लोग नॉर्मली भी कर रहे, कुछ लोग उस बारे में भी गुस्सा हो रहे थे ना कि ये तुमने जैसे सबसे पहले वो वाला डाला गैंगस्टर वाला, जो एक शो की बात नहीं करी थी हम लोगों ने, हाँ वाली कि कुछ फनी नहीं है भाई, क्या बात कर रहे हो, ये सब कुछ बहुत ही सीरियस शो है। हाँ भाई, किसी की फैमिली मर गई, किसी के लोग मर गए, हाँ तुम साले मजे ले रहे हो। तो हाँ आई थिंक यू नो टू गो आउट एंड टेल पीपल कि भाई हम मजाक कर रहे थे इज वर्स, यू शुड नेवर टेल। नहीं करने दो, जिनको फनी लग रहा है उसको उस हिसाब से हंसने दो, और जिनको लग रहा है कि हम चूतिए उस हिसाब से हंसने दो। तूने सीधे मौत का 11 के सुना है? नहीं तूने बताया था मेरे को उसके बारे हाँ, में, तो बताया 11K में एंड में सीधे मौत बस ऐसे वो कर रहा होता है, एडवाइस दे रहा होता है, तो उसमें ऐसे कहता है पहले खुद ऊपर जाओ फिर दूसरों के लिए राह बनाओ, बस आगे बढ़ते जाओ, धन्यवाद, ऐसे एंड करता है। तो अब लोग क्या कर रहे हैं, जो बुरारी में वो नहीं था पापा जी, तो पहले उसकी वोट लगाते हैं, पहले खुद ऊपर जाओ फिर पूरी फैमिली आती है, फिर दूसरों के लिए राह बनाओ, बस आगे बढ़ते जाओ, धन्यवाद। फाइंड अ वे है ना। मीम या कल्चर इज फन। मैन, आई विल टेल यू, आई हैव ऑलवेज बीन समबडी हु इज नेवर बीन इंटरेस्टेड इन जनरल नॉलेज, क्या करंट अफेयर्स चल रहे हैं, बट नाउ आई एम मोर अवेयर बिकॉज ऑफ मीम्स। वरना पहले मेरे को कुछ क्रिकेट में क्या बात हो रही है, क्या पॉलिटिक्स की क्या बात हो रही है, कोई आइडिया ही नहीं होता था। स्कूल स्कूल में भी सबसे कम नंबर जीके में आते थे, बट अब मैं बाकी में कंपेरिजन में जो जो इंपॉर्टेंट न्यूज का फनी हिस्सा है वो पता होता है मेरे को कम से कम। उसका बस एक बुरा पार्ट मुझे लगता है ऑफ द मीम कल्चर इज, जब लोग जैसे बहुत सारे लोग तो मीम्स, फनी मीम्स करते हैं, पर कुछ लोग क्या करते हैं, उनका अपना एजेंडा पुश करने के लिए वो कुछ भी चीज लिख के और फिर लाफ रिएक्ट, वो इमोजी नहीं वो वाला डाल देते हैं। हाँ दैट डजंट मेक एवरीथिंग लाइट। तू है जो कि मैं तेरी माँ जो दूंगा, हे नहीं, इट्स नॉट फनी, गुस्सा ही आ रहा है मुझे। तो बहुत सारे लोगों को बहुत ही बुरी बुरी बातें लोग बोल रहे हैं इन फॉर्म ऑफ मीम्स, व्हिच इज आई थिंक ट्रोलिंग का भी एक लिमिट होता है। व्हेन इट्स ऑल फन एंड गेम्स इट्स फाइन, डूड समटाइम्स पीपल गेट वेरी क्रेजी, स्पेशली ऑन ट्विटर। तो मैं बहुत सारे लोगों, जैसे मैं ट्वीट देख रहा होता हूँ, मैं उसके कॉमेंट्स पढ़ता हूँ, भाई कोई कितनी भी अच्छी बात बोले और जनता उसमें वही सब ले आएगी, सेक्स ले आएगी, तुम्हारी फैमिली ले आएगी, मैं जो रिलीजन ले आएगी, घुमा फिरा। तुम वो है ही नहीं कि तुम इट यू कांट बी लाइक दिस विल नॉट गेट टू मी, आइदर यू कैन कंप्लीटली इग्नोर इट, नॉट रीड इट एट ऑल, और फकिंग रीड इट, एग्जैक्टली बी अफेक्टेड एंड देन मूव ऑन। बट अब वो नहीं बचा है कि, क्योंकि दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू बी इनोवेटिव, दे फाइंड न्यू वेज टू हर्ट यू ऑन एन इनसिक्योरिटी दैट दे हैव बीन एबल टू रीड प्रॉपरली। द थिंग इज, सी द प्रॉब्लम इज दे डोंट नो मी पर्सनली। इफ समबडी नोज मी पर्सनली और वो ऐसी कोई बात बोले तो मुझे बुरा लगे, बट आई डोंट नो दिस गाय, तो वो कुछ भी लिखेगा तो मुझे बस लग रहा है कि ये कोई बस भौंक रहा है। बट यू आर राइटिंग इट ऑन अ लॉट ऑफ पीपल्स प्रोफाइल, और किसी ना किसी को तो बुरा लग सकता है भाई। मैं तो, हाँ मैंने पढ़ने बंद कर दिए, तो आई नो तारीफ हो चाहे बुराई हो, मुझे देखना ही नहीं उस तरफ ना, मैं हाँ वो हाँ अगर यही कर सकते भाई, मेरे को तो बुरा लगता है, मेरे को तो सारी चीजें बुरा लगती है, मैं जो भी कुछ तुम खराब बहुत लिखा। सारे पढ़ो एक ना एक तो हर्ट करेगा ही ना, हाँ तो हाँ माई आइडिया इज नहीं फनी नहीं और मेरे को तो सारे हर्ट करते हैं।
एक एक भी नहीं, सबके सब हर्ट करते हैं। सिर्फ जब उस इंसान के ऊपर एक तुम चेहरा लगा पाओ तो तुम्हें कम खराब लगता है। जब प्रोफाइल में जाके देखो बच्चा है। आज मेरे को कुछ आया, अननेसेसरी अब्यूज इज नॉट रिक्वायर्ड, इफ दिस इज योर कॉमेडी यू बेटर स्टॉप राइट नाउ। ठीक है, तो मैं उसकी प्रोफाइल पे कुछ एजुकेशन फॉर समथिंग लिखा हुआ था, उसकी प्रोफाइल पे गया तो देन इट इज अ लेडी हुज टीचिंग नंबर्स टू क्लास 5। Then that hatred went away, क्योंकि ऐसे लगा कि ये आंटी जनरली वैसे हुई होंगी कि ये गंदी बात हो रही है, ये हो रही है, एज अपोज टू कि मैं इसका मूड फक करती हूँ, तो उतना खराब तब नहीं लगा। लेकिन अब ये सब में तो पॉसिबल नहीं है, ज्यादातर लेडीज तो नहीं होती, कच्ची मूछ वाले पतले लड़के होते हैं भैंसुद, तो उनसे तो चिड़मा चाहिए। ऐसा लगा अब बस ठीक है, बताता हूँ तेरे को क्या होती है अब्यूजिव लैंग्वेज। वीगन वाले में मुझे बहुत हुआ था, वहीं से मैं सीखा हूँ कि मैं भाई बुराई नहीं मानूंगा। जब मैं वीगन वाला जोक किया था भाई, ये वीगन लोगों ने आके इतनी गालियां दी थी मुझे, इतना कमेंट्स में भी, और ढूंढ ढूंढ के दे फिगर्ड आउट अ वे, क्योंकि आई वुड पुट अ फिल्टर और उसमें वीगन और ये वाले जो कीवर्ड है उनके सारे हटा दिए, तो भाई मुझे मैसेज कर रहे हैं और फैमिली को गाली दे रहे हैं और ये सब बोल रहे हैं तेरी माँ को। मुझे लगा था वीगन तो थोड़ा इंग्लिश पॉश तरीके से वो करेंगे कि नहीं वो भी गाली, तेरी माँ की छूते, वो भी यही भेजते हैं। और भाई कुछ लोगों ने तो ये भी बोला, धमकी दी थी कि शो पे आ जाएंगे, एक थप्पड़ भी लगाने के लिए, एक थप्पड़ लगा पाएगा उसके हाथों में भाग जाऊंगा, वो एक थप्पड़ लगाने के भी मिनिमम 499 तो पे करने ही पड़ेंगे तेरे को। फिर वो है कि am I that important in somebody's life, कि कोई 5 रुपए खर्च करेगा कि इस बंदे को आज शाम को जाके टाइम निकाल के ट्रैफिक से गाली देनी, आई डोंट थिंक सो, एंड नेवर। वरना तो मैं भाई 50 टिकट तो बेच ही देता तुरंत, 50 गाली देने वाले तो हैं हर टाइम, बट नहीं यार। हाँ, अभी मैंने एक शो किया यूट्यूब पे, एक वीडियो देखना चालू किया, वो पूरी सीरीज ही देख ली। एमपी में कोई पुलिस वाला है, आईपीएस ऑफिसर है, एसपीए या असिस्टेंट एसपी, और वो चोरों को ऐसे ही मतलब उठाई गुंडे वगैरह लेके आता है, वीडियो वगैरह ऑन करता है और मजाक उड़ाता है और जोक मारता है, और उसके सारे पुलिस वाले अगल बगल में बैठ के हंस रहे होते हैं। इट्स वेरी इट्स क्रेंज बट इट्स वेरी फनी, क्योंकि वो क्या है तेरी सारी बात रिपीट करेगा। कहता है हाँ बेटा क्या नाम है तुम्हारा, तो फिर पंकज, पंकज है वेरी फनी। कहता है कि ये चाकू कहाँ से लाया है, तो कह रहे बाबा धाम, बाबा धाम से लाए। ये इन पर्सन इतना इफेक्टिव है, मेरे दोस्तों ने इतनी सारी चीजें अवे चल यार अवे ऐसे कर करके करा लेते हैं, कुछ तो एनर्जी वो हो जाती है, फुल चेंज हो जाती है, ये बढ़िया वो लग रहा है। मैंने तो, मैंने आज एक कुछ शुरू करा था बहुत ही बकाऊ, तू तू बता अपना फिर इसमें, तो ये क्या सीरीज है ये? अरे सीरीज नहीं, अगर एक चैनल है भिलाई टाइम्स, उसमें ही ये अंकल आके, आई थिंक और भी चैनल होंगे बट ये अंकल की वीडियो, इज अ पुलिस ऑफिसर, और इसकी ट्रिक ये है कि वो ह्यूमिलिएट करेगा ये यंग सारे गैंगस्टर बनना चाहते हैं या लड़के जो भी गुंडे हैं, तो उनको बुलाता है, वीडियो में डाल देता है और वीडियो वायरल हो जाता है, तो लोग नीचे कमेंट में गालियां देते हैं, फिर लोग ढूंढ ढूंढ के उनको गालियां देते हैं, और ह्यूमिलिएशन इज समथिंग दैट विल हर्ट दिस जनरेशन, उसको समझ में आ गया, तो वो अंकल खूब बेइज्जती करते हैं, ह्यूमिलिएट करते हैं, सारे पुलिस वालों को बैठा देते हैं एक ही कमरे में और जोर जोर से हंसते हैं इनके हर बात, एंड बिकॉज दे हैव द अथॉरिटी, तो वो लड़का तो कुछ कर नहीं पाएगा, कुछ कर नहीं सकता भाई। हाँ, रोस्ट का फुल डायनामिक चेंज हो जाए अगर तुम कैदी हो। एग्जैक्टली, तो भाई पकड़ के बेइज्जती कर रहा है, कह रहे ये क्या, ये चाकू कहाँ से लाए, तो तुम बताया कुछ किस लिए लाए चाकू, है किसी को मार देते हो, कहते नहीं सर केक काटते, हंसने लगे जोर जोर से, केक काटते हो किसी को, गिफ्ट है, डूड ही इज जस्ट फकिंग दैट गाय स्टैंडिंग डूइंग नथिंग बिकॉज ही कांट डू एनीथिंग, वेरी फनी। तूने अगली नहीं देखी है ना, अनुराग कश्यप वाली? I don't remember कि मैंने पूरी देखी नहीं, but I remember somewhat. You remember the police station scene? वो भी ऐसा सही होता है कि वो उसकी बेटी गायब हो जाती है, कहता है कैसे गायब हो गई, कह रहा है उसको लेके बताया था podcast में कि वो फोन उसका बताते कि कैसे चलाते हैं, वीडियो कैसे आ सकता है, तो कहता है कि हल्के में ले रहा है, हमारे पास कैमरा नहीं है। मैंने एक आज शो शुरू करा which is I think presented or created by Obama. It is about working class. So
वो हर कहता है मैंने बचपन में किताब पढ़ी थी जिसमें हर टाइप के काम करने वाले लोगों के कैसी जिंदगी होती क्या होती है उसके बारे में होता है, उसके बारे में लिखा हुआ था कुछ तो स्टर्ड वर्ड कुछ ऐसे कुछ नाम था बेंच राइटर का, तो उसी के अराउंड वो करी है। बट प्रॉब्लम है कि अब वो जो उन्होंने शो बनाया है वो ऐसा लग रहा है मुझे कि मैं भी नौकरी ही कर रहा हूँ, कि इतना बोरिंग है भाई कि वो बता रहे हैं एक एक हाउसकीपिंग की एक लेडी है, एक ऊबर ड्राइव ऊबर ईट्स में डिलीवरी करती है, और थर्ड आई थिंक पर्सनल केयर बुढ़े लोगों के यहाँ घर जाती है और उनका ध्यान रखती है, तो वो अपना क्या मिनिमम वेज है क्या है ये सब चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। तो मतलब वेरी आई एम श्योर वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन टू हैव, बट ओके वेरी बोरिंग ऐसा लग रहा था। आई शुड बी गेटिंग मिनिमम पेड द मिनिमम वेज टू वॉच ओबामा दिस शो। इज नॉट एन एंटरटेनर यार, ये अचानक यूट्यूबर कैसे बन गया मुझे समझ में नहीं आया। नहीं यूट्यूबर नहीं है, नेटफ्लिक्स है भाई। नो बट ही स्टार्टेड हिज ओन प्रोडक्शन ना, ही इज मेकिंग शोज। या हाँ तो ही स्टार्टेड अ प्रोडक्शन लाइक ही इज अ फिल्म मेकर, ही इज नॉट एन एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन हाउस। बट ये पहली बार मैंने ट्रांजिशन देखा है कि कोई प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट से सीधा जो एंटरटेनर ही बन जाता है। ब्रदर क्रिएटर्स इकोनॉमी अब ओबामा भी जानते हैं। They're drawing everybody in. This is a war. Also, out of all the presidents, I think he has the best. He had the best screen presence. कि वो विटी भी था, कैमरा पे अपने आप को बहुत अच्छे से कंडक्ट करता था। ऐसा लगता था कि कोई विल स्मिथ कैरेक्टर प्ले कर रहा है, जैसे ओबामा बैठा होता था। I understand. देखो तो सीन क्या है कि वो प्रेसिडेंट था तब, ठीक है? With that comes a lot of appreciation for that is not warranted. मोदी को भी बहुत लाख और तालियां मिलती हैं जब वो रिटायर होंगे तो नहीं मिलेंगे। अब मोदी नया स्टैंड अप कॉमेडियन बन जाए रिटायर होने के बाद तो कौन हंसेगा भाई, कोई नहीं हंस रहा। वेरी स्टूपिड टू थिंक। ये तो वैसा ही है फिर, कि मतलब वो जेल में रोस्ट अच्छा ही करेगा। हाँ एग्जैक्टली, वही पावर डायनेमिक ना कितनी ज्यादा है, कितनी बड़ी है। पीपल्स तूने एक वो देखा है, स्टूडेंट। हाँ देयर इज अ मीम दैट इज गोइंग अराउंड, मोदी एक जोक सुनाता है कि एक अध्यापक होता है उनकी बेटी लिख के जाती है कि मैं मरने जा रही हूँ, कहता है मैंने क्या बताओ किया, स्पेल मैंने शेयर स्पेल किया। स्पेलिंग हाँ गलत दिख गई है, बढ़िया वो था वो। मैंने शेयर किया था और मैं बोला था कि देखो आज मैं सपोर्ट कर रहा हूँ मोदी को, कल को हमें भी जरूरत पड़ेगी भाई सपोर्ट करने। मैं हाँ तेरे डेथ जोक में सपोर्ट कर रहा हूँ बिकॉज इट्स अ फनी जोक एंड पीपल हैव सडनली टर्न ऑन मोदी ऑन दिस। और भी चीजें उसने नहीं, मतलब कहीं दंगे होंगे उसमें कुछ नहीं बोला, लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये जोक इज इनसेंसिटिव, इट्स हर्टिंग अ लॉट ऑफ पीपल हु हाँ डेट। इट्स नॉट हर्टिंग एनीबडी, इट्स फन, इट्स अ जोक। नहीं ऑल्सो इट वॉज वेरी क्लियर दैट ही पर्सनली रियली एंजॉयड दैट जोक, देयर वॉज नो प्रिटेंस कि ये एंटरटेन करने के लिए वो कर रहा है यार। वो एक पहले सेकेंड, से इंप्रेस था उस जोक से हाँ, वो एंड मतलब उससे रुका नहीं गया कि भाई ये तो सुना के ही आऊंगा मैं। यू कुड सी द पंच लाइन फ्रॉम लाइक 1 किलोमीटर अवे। बट थोड़ी बट स्ट्रीट जोक है यार, स्ट्रीट जोक में तुम गुस्सा हो रहे हो, यही है जो मेरे साथ होता है मोदी के साथ भी हो रहा है, सेम लेवल पे आ गया हम। भाई क्या हम ये कर सकते हैं कि एक मैं स्टैंड अप रूटीन बना दूं किसी ऑफेंसिव चीज के बारे में और लोग फिर कहें कि ये बहुत गलत था, फिर मैं बोलूं अरे ये तो स्ट्रीट स्टैंड अप। अबे तो लेकिन तू स्टैंड अप कर देगा अगर, और बाद हाँ में बोलेगा स्ट्रीट तो वैसे ही तेरी बेइज्जती हो गई ना, कि तूने स्टैंड अप कर दिया स्ट्रीट जोक्स पे, तो वो तो वैसे ही दिस इज अगेंस्ट द रूल ऑफ स्टैंड अप। तुम्हें तो ओरिजिनल लिखना होता। मेरे को एक सेकंड देगा, मेरे को बस एक मैसेज वो करना है। हाँ भाई मैसेज ये आया हुआ है कि जिसको मैं डेट कर रहा हूँ कह रही है मेरे एक्स ने मुझे मैसेज करा है और मेरे को अचानक से एंग्जायटी आ गई। तो मैं उसका रिप्लाई कर रहा हूँ आई एम रिकॉर्डिंग पॉडकास्ट। आंसर कर दे क्या हो गया रिकॉर्डिंग नहीं, पॉडकास्ट। उसमें कुछ वो नहीं है, बस वो वैसा होगा उसको कुछ बढ़िया कहानी सुनाएगी। आई एम हाँ डन है, शुड भी है तू जिससे मैं डेट कर रहा हूँ इज अ वेरी आई अब मीन क्या? अरे जनरली ये करूँगा ना परिक्रमा, नहीं पीपल। बोलूंगा भैंजो परिक्रमा के बाद से वो रखा है। हाँ परिक्रमा क्यों बोलेगा, मतलब यू कुड से माय गर्लफ्रेंड बट यू लाइक जिसे मैं अभी डेट कर। यार मेरे को ऑलवेज सेइंग गर्लफ्रेंड जस्ट मेक्स मी फील वेरी वियर्ड। आई हैव नेवर बीन दैट डूड हु ओन्स अप, दिस इज माय गर्लफ्रेंड, मेरी बंदी ये है वो। मेरे से कभी ढंग से ऐसा होता है कि ये हमारा कुछ है सीन, वैसा सब बताता हूँ मैं बहुत ही ऑकवर्ड तरीके से। Nice. So how does she react to Oh, ये the person I'm dating right now, that? she is very happy with it because she also you've met her, तो उसको भी ये सब चीजों में बहुत ज्यादा comfortable नहीं है, उसको भी थोड़ी बहुत social anxiety है ही है।
लेकिन पहले बहुत लड़ाई होती थी भाई की यू आर फकिंग नॉट यू आर अशेम्ड ऑफ दिस रिलेशनशिप व्हिच इज अरे नहीं भाई आई एम जस्ट आई एम वियर्ड इसमें आपका कोई लेना देना नहीं है ये जो भी है मैंने खुद बनाया स्क्रैच से उसका जो था ना मिस हेडबर्ग का कि आई डोंट हैव अ गर्लफ्रेंड बट आई नो अ गर्ल या फनी है मेरे को पीडीए वगैरह से भी हमेशा से बहुत ही ऑड लगता है मतलब कुछ कभी भी नहीं कर पाया और उस पे भी काफी सारी लड़ाई हुई है कि क्या हो गया क्या हो गया मैं तो अपने सब पीडीए क्यों नहीं कर रहे हाँ कि वो जैसे और वो मतलब ऐसे सिचुएशंस में पॉटरी से आई है कि मेरे हाथ खराब है पर मेरे को पिज्जा खाने का मन है खिलाओ मैं कहा भाई मुझे बहुत क्रिंज लगता है मैं कहा मैं पिज्जा का बॉक्स पकड़ ले रहा हूँ चलते हैं बाथरूम में आप हाथ धोना फिर तौलिया भी ले आऊंगा हाथ पोछ लेना खा लेना मैं नहीं खिला पाऊंगा ये मेरे को बहुत ही बहुत खाना खिलाना तो और ही ज्यादा वैसा लगता है दिस इज डेफिनेटली क्रिंज एक और चीज है कि हाथ पकड़ के चलना बाहर क्योंकि मतलब व्हेन आई वाज डेटिंग दिस 12 ईयर ओल्ड तब तो मुझे समझ में आ गया अभी तुम लोग तो बड़े हो यार तुमको या हाँ मतलब द ओनली क्या द ओनली किड्स डू इट टू शो ऑफ कि व्हाई गर्लफ्रेंड मेरी देख रहे हो मैं एक बार स्कूल में था और हम लोग कहीं तो एक अम्यूजमेंट पार्क में गए थे तब पहली बार मैंने एक लड़की का हाथ पकड़ा था हम लोग झूले में मैं हाथ पकड़ा था मुझे लगा भाई वो बहुत ही सही मेरा मैंने कहा वाक कर दिया आई एम द टॉप ऑफ द फूड चेन राइट नाउ क्योंकि और मेरे क्लास के किसी लड़के ने किसी लड़की का हाथ हाँ उनने तो कटे हुए नाखून भी नहीं छुए तो मैंने कहा भाई टॉप एकदम लेकिन वो बच्चों में ही ठीक लगता है कि हाथ पकड़ के चल और बुढ़ों में आई थिंक व्हेन वी विल बी ओल्ड तब जरूरत पड़ेगी एक दूसरे को साथ हाँ तब तो क्योंकि चलने का ही प्रॉब्लम है ना भाई गिर जाएंगे और इंजरी फिर लंबे टाइम में हील होती है तो बहुत ही दिक्कत है वो तो हड्डी की चोट अगर बुढ़ापे में लग गई तो सही नहीं होती मेरे नानू वो करते हैं बहुत एक्टिवा चलाते रहते थे बहुत मुश्किल से लड़ लड़के वो करवाना पड़ा था कि मेहरबानी करके बंद करो कहीं इसमें चोट चाट लग जाएगी तो फिर दिक्कत होगी कैसे वो करेंगे बट उनको सही करने में भी दिक्कत है फाइबर की बॉडी होती यू आर राइट क्योंकि ये मतलब सेम इंजरी जब हम लोग को लगती है तो हम क्या तो हम भी बुढ़े हो गए बट जब यंग लोगों को वो सेम इंजरी लगती है तो इट्स अ वेरी माइनर थिंग और वो तो क्या दे शो इट ऑफ स्कार्स ऑफ वॉर कई सारे ऐसे लोग होते हैं ब्रो मेरे को तो स्कार बहुत बढ़िया लगता है मैं कहा एक बार एक छुरी ले आया यहाँ पे बना देता हूँ बहुत बढ़िया सा है कैसा ये सब उसी ने किया है ये जोकर ने जब से अपने गाल के दिखा दी ना ये स्माइल तब से लोगों को अच्छे लगने लगे स्कार्स ऑफ वॉर बिकॉज पीपल वुड हैव दी स्कार्स एंड दे वुड हैव अ स्टोरी टू टेल क्योंकि वो वॉर थे तो उनको गोली या कुछ पत्थर से लगी है दैट्स नॉट अ गुड स्टोरी टू जमीन पे रेत में रह गया ये क्या कौन सी बैटल एक्चुअली स्केटिंग शुरू करी थी मैंने बट कर नहीं पाया तो ये उसका बैटल स्कार है वाओ वाओ बहुत ही हार्डकोर बैटल लग रही है आपकी तो ये बैटल एक्चुअली मेरी बीवी ने बेलन मारी थी बहुत 2 साल हमारी लड़ाई चली थी बहुत लकड़ी बैटल भाई डोमेस्टिक व्यूज इंडिया में बहुत है और जब भी ये पॉइंट आउट करो जैसे कभी बोल दो कि भाई इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो अपनी बीवियों को मारते हैं So there'll be an army of men who'll be like, तो बहुत सारी औरतें मीतो हैं जो आदमियों को मारती हैं। I don't think it's more than even 1%. Shame on you. Yeah. Also, मतलब a very good sign is कि तुम्हें अभी याद आया जब किसी और ने बताया इतना बॉदर करा तो पहले बताए थे तुम बताए थे पहले है ना भाई उसका पता क्या पॉइंट उसका भी एक पॉइंट निकालते हैं कि for men to bring that up, it takes a lot of वेरी इमैस्कुलेटिंग क्योंकि हमको तो शर्म आती है बताने में कि औरत ने हमको पीट दी क्योंकि मैं जब पीटा नहीं है झूठ बोल रहा है बहुत सही मेंटल अब्यूज भी होता है हाँ हाँ सर बट एक बार आप एक लपड़ खा के फिर कंपेयर करिएगा उसे मेंटल अब्यूज से तब पता चलेगा मेरी मम्मी दो फेसबुक ग्रुप्स का पार्ट है एक डॉक्टर्स इन सारीज इंडिया और एक डॉक्टर्स इन सारीज ग्लोबल ठीक है तो जो डॉक्टर्स एंड सारीज इंडिया है उसमें बहुत सारे पहले सब साड़ी की फोटो भेजते रहते थे फिर फैमिली की फोटो भेजते रहे आई थिंक अब तक ग्रुप इतना कंफर्टेबल हो गया है कि अब लोग अनोनिमस होके डोमेस्टिक वायलेंस के वो पोस्ट करते हैं कि ये हो रहा है और गाइड करो कैसे करो तो मैंने मम्मी से कहा कि और ये ग्लोबल वाले ग्रुप में नहीं होता है मम्मी कह रही ग्लोबल वाले ग्रुप में होता है बट अनोनिमसली पोस्ट नहीं करते हैं वो बताते हैं कि ये चल रहा है ये यहाँ पे फिर कैसे निकले क्या करें और उसमें वहां पे छोड़ भी जल्दी देते हैं बट मैंने
डॉक्टर्स इन सारी ग्लोबल में भी तो एनआरआईज ही होंगी, और कौन साड़ी पहनते हैं? या एनआरआईज ही हैं, हाँ एनआरआईज ही हैं, बट वो ये कि वो अनोनिमसली नहीं बताते, वो बताती हैं स्टोरी बताती हैं, ये उसने उठाया फिर हम छोड़े, अब मैं अपने बेटे को अकेले रेस कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, तो वैसी टाइप की स्टोरीज होती है। इसमें तो ऐसी होती है कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, मेरी प्रैक्टिस साले इस पे डिपेंडेंट है, मेरे मरीज खाता है ये तो वो वैसे सब वो यार दैट कुड आल्सो बी अ थिंग ना, कि दो डॉक्टर्स की शादी एक ही सेटअप में ऑपरेट कर रहे हैं, तो फिर अभी वो कैसे करेंगे, उसमें से निकलना मुश्किल है, तो करीबी होगी तो ऐसा कोई बड़ी बात नहीं रिपीट करने में। यार मैं एक्चुअली आगरा में दो, एक तो पहले खुद का इंक्लिनेशन कम था मेरा, था ही नहीं कहीं, मतलब ये ही नहीं मालूम था करना क्या है, बस ऐसे इंजीनियरिंग हो गया था, क्योंकि डॉक्टर बहुत मुश्किल लग रहा था मेरे से। जितने भी मेरे से दो तीन सीनियर वो थे मतलब फैमिली फ्रेंड्स, जो मेरे से पढ़ने में बेटर थे, और उनका बहुत टाइम तक एंट्रेंस वगैरह क्लियर नहीं हो रहा था, तो दैट डिमोटिवेटेड मी। सेकेंड वॉज आई वॉज नॉट पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड इन बायोलॉजी, ऑल्सो ऑल बायोलॉजी टीचर्स इन स्कूल हेटेड मी, क्योंकि मैं उनकी क्लास सुनता नहीं था, घर से पढ़ के और आगरा में बहुत डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस होते हैं, तो जैसे कुछ अगर मरीज मर जाता है तो डॉक्टर पीटने आ रहे हैं, अस्पताल तोड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो ये सब चीजें थोड़ी ज्यादा वो होती थी, तो इस चक्कर में पेरेंट्स आर आल्सो नॉट वेरी एंथुसियास्टिक कि तुम्हें आके कुछ जाना चाहिए। और फोर्थ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रीजन वाज कि देयर वाज नो बिग एम्पायर, कि वो तब होता है ना कि अब इस बड़े अस्पताल का कौन ध्यान रखेगा, हमने किसके लिए बनाया ये सब कुछ, तो ये सब थे आई थिंक रीजंस। आई रिमेम्बर कानपुर में जैसे हमारे क्लास के में दो लड़के थे, लव और कुश, और उनके पेरेंट्स दोनों डॉक्टर्स थे, और उनका एक हॉस्पिटल था, तो नाउ बोथ द किड्स दे बिकेम डॉक्टर्स, एंड मैंने जनरली देखा है कि जो भी है डॉक्टर्स वो अपने बच्चों को डॉक्टर्स बनाते हैं कि वो कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे, बिकॉज इट्स काइंड ऑफ अ बिजनेस ना, अगर पेशेंट्स जो तुम्हारे पास आते हैं वो उनके पास आ जाएंगे। बट ये वाला एंगल मैंने तुमने पिछली बार बताया था आई थिंक, ये आगरा वाला, कि लोग आएंगे और लड़ाई करने लेंगे छोटी सी बात पे, कि अगर कोई गलती से पेशेंट मर गया, जो कि मतलब मरी जाते हैं बीमारी में, तो वो आके डॉक्टर के ऊपर ही ब्लेम करने लगेंगे, और डॉक्टर मतलब कि हॉस्पिटल जला देंगे, ये सब कर देंगे, ये हाँ ये सब कुछ कर देंगे, और मतलब तुम लीगल बैटल भी लड़ते रहोगे, लेकिन लीगल बैटल भी इवन दो यू हैव ऑल डॉक्यूमेंट साइंड बाय देम दैट दिस इज अ रिस्की ऑपरेशन, इट विल स्टिल ईट अप मिनिमम 10 years ऑफ योर लाइफ, क्योंकि वो एक क्रिमिनल, एक कंज्यूमर में, और एक और कुछ, वो कोई कोर्ट, तीन केस एक साथ लगाते हैं हमेशा। राइट, क्यों हम लोग जब भी ये सोचते हैं ना इस बारे में, तो वी आर ऑलवेज ऑन द लाइक अ पेशेंट साइड। या ऑफ कोर्स यू आर, और मतलब वही साइड रहेगा आल्सो, ये जैसे कहते हैं ना आपको डॉक्टर्स की साइड सम, भाई जो भी अस्पताल में आता है इतना परेशान और एजिटेटेड माइंड सेट में आता है कि वो हाइटेंड इमोशंस में ही डील करेगा, तो तुम उससे कुछ उससे कम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो वो नॉर्मली होता है कि लोग कहते हैं आप समझ नहीं रहे आपको उनकी भी वो हार्ड वर्क, अरे भाई सबके वर्किंग आवर्स खराब ही होते हैं, ऐसी कोई सर्विस इंडस्ट्री की नौकरी नहीं जिसके वर्किंग आवर्स अच्छे होते हैं। बट लाइक कोविड के टाइम पे तो डॉक्टर्स के अलग ही लेवल पे खराब था, प्लस डॉक्टर भाई एक डॉक्टर था जो मतलब बहुत ही आई थिंक बहुत ही रिस्पेक्टेड डॉक्टर था, जो कोविड के बारे में इन्फॉर्मेशन देता रहता था हर हफ्ते, उसका लाइव चलता था वो, और वो कोविड से ही मर गया, क्योंकि ही वुड गो ट्रीट सो मेनी पेशेंट्स, और होना मतलब वो कह रहा था मेरा तो पक्का ही है कि हो जाए, और हो गया, पूरा पीपीई किट पहन के भी हो गई। तो मेरे पापा को फर्स्ट वेव में कोविड हुआ था, ठीक है, तो वो तब मैक्स हॉस्पिटल में एडमिटेड रहते थे, क्योंकि वो मैक्स बस वो हो गया है कि सारे ऑपरेशन वही हुए हैं, तो मैक्स में बहुत रेगुलरली जाते रहते थे, तो वहां पे कोई डॉक्टर जो ट्रीटिंग डॉक्टर था वो कभी उस कोविड वार्ड के अंदर आया ही नहीं था, वो स्काइप के थ्रू ही करता रहता था, और उनके असिस्टेंट्स वगैरह को वो करता रहता था, तो इस चक्कर में सेकंड वेव में हमारी फैमिली में सब बीमार हुए थे, मेरी मम्मी हुई थी और नानू वगैरह सब सीरियस हो गए थे, लेकिन तब ये क्लियर था कि दिल्ली जाने का कोई एक्स्ट्रा एडवांटेज नहीं है, तो मतलब अगर आप ये कहो कि वहाँ के डॉक्टर ज्यादा ट्रेंड है, तो आगरा में कम से कम डॉक्टर जा रहा है मरीज के पास, तो इस चक्कर में आगरा में फिर उनका ट्रीटमेंट वगैरह कराया था। एक ये हुआ था कि कानपुर में मैं गया था, वहाँ पे कोविड के टाइम पे कोई बहुत पॉपुलर डॉक्टर है वहाँ, वो अपने बंगले में देखता था, मतलब डॉक्टर है और साथ में टिकटॉक करते हैं इसलिए पॉपुलर है। नहीं नहीं बहुत पॉपुलर है कानपुर में, वेरी गुड डॉक्टर, तो वो अपने बंगले, पहले तो वो हॉस्पिटल में देखता था, लेकिन जब हॉस्पिटल का ऐसा हो गया कि वहाँ पे बहुत लोग हैं, वहाँ पे जा ही नहीं रहे और घर पे ही अपने देखते, तो बंगले पे आते थे डॉक्टर साहब के सब लोग चेकअप करवाने। तो क्या हो रहा था, मैं एक सीन बताता हूँ, दो मंजिल का तीन मंजिल का घर है, ठीक, डॉक्टर साहब तीसरी मंजिल पे, ठीक है,
और वो माइक से बोलते थे और नीचे स्पीकर लगा था और लाइव पेशेंट आते थे, बहुत सारे लोग करते थे डूड एक एक करके पेशेंट आ रहा है वो देख भी नहीं रहा दूर पे और बस बता रहा है ये वाली दवाई ले लो क्या हो रहा है समझ गए ये ले लो 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 और नीचे करके ऐसे बांट रहा है पैसे लेता है यार हिलेरियस मेरा दिमाग खुल गया ये देख के कि ये क्या है भाई। नहीं ये तो बहुत जगह हो रहा था, मेरे मेरे एक दोस्त है इंजीनियरिंग का, उसके पापा गाजियाबाद में फिजिशियन है, तो वो भी ऐसी माइक रखा हुआ था उनने, और कैरियो उनने अलग से भी नहीं लगवाया था, कैरियो के का वो जो उनके पास सेटअप था वो भाई लगा दिया था, हाँ जी बताइए डोलो ये और जो विटामिन सी जो भी सारा पूरा एक लिस्ट जो पढ़ देते थे वो सब कुछ बता दिया करते थे वहां पे, बड़ा बहुत बढ़िया फनी सा वीडियो भेजा था उस समय मेरे को उसने। क्रेजी ये मतलब इसका मतलब ये पूरे देश में हर जगह हो रहा होगा। अरे क्योंकि डॉक्टर्स ने आपस में शेयर करा होगा ना कि ये सेफ 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 तरीका है, घर से नीचे भी मत निकलो, एक डलिया में ऐसे आ रही है चीज ऊपर से लटका दे। एक एक ना मैंने रिसेंटली एक मेरे एक और फैमिली फ्रेंड है जो अब वो मेडिकल आई थिंक पीजी कर रही है अभी, तो उसने कुछ रिसेंटली स्टोरी शेयर करी थी कि अब उनको कॉलेजेस में ये पढ़ा रहे हैं कि आप अपने प्रोफेशन को कुछ प्रोफेशन ही समझिए, कुछ ऐसा नोबल एक्ट वगैरह मत समझिए, क्योंकि आपको कोई और इंसेंटिव नहीं मिलता है, आपको कोई ऐसा कुछ नहीं होता है कि कहीं आप लाइन में तो आपको आगे जाते हैं, तो देश में जो सर्विसेज मिलती हैं उसमें आपको कोई एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, तो आप भी इसे एक प्रोफेशन की तरह ट्रीट करिए, वो हॉस्पिटल का जिम्मा है कि वो अगर आपकी शिफ्ट खत्म होती है तो एक दूसरा डॉक्टर असाइन करें और वो डॉक्टर आके ट्रीट करें और दोनों डॉक्टर्स कॉम्पिटेंट हो, आप हर कि मेरे को इसकी जान बचानी है करनी है ये वाली चीज में अपने आपको इतना उस प्रेशर में मत ऑपरेट करिए, प्रोफेशन की तरह ऑपरेट करिए, विच आई थॉट वाज अ वेरी हेल्दी वे टू एटलीस्ट टीच डॉक्टर्स। या बिकॉज़ सम पीपल वुड गेट कैरिड अवे इन दैट इमोशन। क्या वर्किंग आवर्स, हम तो जान बचाने 24 घंटे ही काम कर लेंगे, तुम 3 दिन कर लो फिर बीमार हो जाओगे। अब अभी मैंने रिसेंटली एक केस देखा बहुत फनी था, 2018 में एक औरत है आशना रॉय करके, शी इज मॉडल, उसकी कोई मीटिंग थी दिल्ली में, मतलब जो भी एक्टिंग असाइनमेंट किया किसी चीज का, कोई प्रोजेक्ट वाज कमिंग अप, तो शी वांटेड टू गेट रेडी, शी वाज इन अ होटल समवेयर, तो दिल्ली में एक ITC मौर्या करके होटल है वहां पे गई और वहां पे कहती बाल कटवा ले, उसके सलून में गई बाल कटवा, उसने बताया हुआ जो भी इतना काटने उसने ज्यादा काट दिए, वो गुस्सा हो गई, फिर वो कहते हैं कि अरे सॉरी सॉरी ये नया लड़का है हमारा, पुराना वाला आपका जो था वो था नहीं, तो कोई बात नहीं हम आपको फ्री ट्रीटमेंट दे देते हैं, तो फ्री ट्रीटमेंट दिया, उससे बाल उसके और खराब हो गए, उसने केस कर दिया, 5 साल बाद अभी उसकी फाइनली हियरिंग हुई है, मतलब 5 साल बाद रिजल्ट आया, सुप्रीम कोर्ट ने डिफर किया, फिर दूसरे वाले कोर्ट में कहीं पे हुआ, and finally she is getting 2 crores this thing compensation। wow यार ये तो हम तो बस मूड ऑफ करके कि ठीक है मैं बद्दा ही दिखता हूँ बाल खराब ही कटते मेरे करके चला जाता हूँ। wow कितने लोग केस करते हैं भाई, कोई नहीं करता केस, स्पेशली इंडिया में सू करने वाली कोई बात होती ही नहीं है, लोग पहले ही डांट के भगा देते हैं। हाँ तो में जाके बताओ कि ये प्रॉब्लम मेरा बच जाए, जो 50 लोग हैं ऐसे प्रॉब्लम वाले, तो नोबडी इसने कर दिया एंड उसने प्रूव कर दिया कि इसकी वजह से मेरा 3 करोड़ का लॉस हुआ है, ये देखो ये असाइनमेंट मुझे मिल सकता था नहीं मिला, ये प्रोजेक्ट था इसके इतनी मैं चार्ज करती ये नहीं मिला करके साबित कर दिया, जो भी कर दिया है, जो 2 करोड़ रुपए हेयर कट खराब होने के कॉम्पेंसेशन। मैन दिस इज ग्रेट, मेरे को भी करना है, मेरे को भी बहुत सारे लोगों का करना है, एक तो बेंच वो कौन सा जावेद है उस पे करना है, उसने आगरा में एक ब्रांच खोली थी बहुत ही चूतिया ब्रांच थी, वो बहुत ही खराब काटते थे बाल वो लोग। तो उसके बाद से तेरा लॉस क्या हुआ वो कटवाने के बाद? लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस गिरा मेरा बहुत ज्यादा, और उसके चक्कर में मैं KBC नहीं जीत पाया जो 7 करोड़ वाला सीजन था। तो तू आई थिंक और साथ में जो तेरा मेंटल हैरेसमेंट हुआ है उसकी, मेंटल हैरेसमेंट की हाँ मान हानि क्या होता है वेंचर, तो 2 करोड़ उसके रख ले, 7 ये 9 का तू क्लेम करेगा, 9 का हो गया। और अरे जब मैं KBC जीतता तो अमित जी से मेरा बैंटर इतना मजेदार होता कि मंत्र में मैं ही होता, क्योंकि वो कहते हैं ये गुरु शिष्य का एक जोड़ा अच्छा लग रहा है, तो ब्रह्मास्त्र कितना जितने कितने करोड़ गिरी 400-800 तो उसमें कितने रणवीर ने 3-4 तो ले होंगे, अरे 10 लिए होंगे यार। हाँ तो फिर भाई वैसे 20 का मान लेता हूँ, 20 अबे तू बहुत कम मांग रहा है, जैसे ही तू ऐसा हिट हुआ वैसे ही तो और भी तो अरे यार ये तो प्रॉब्लम है, स्वाइप अप पे 8 करोड़ भी तो मिलेंगे विराट कोहली। हाँ ये सपने ही छोटे हैं, मेरे से कोई बोले कि अगर तुम्हारे को एक जी नहीं आ जाए तो 8.5 लाख के आसपास कुछ अगर दे देंगे, क्योंकि 2 लाख का कर्जा है 2 का ये मैं बताना भूल गया था, जीनी साहब प्लस GST। हाँ
भाई पॉल ये हेरा फेरी में था, वो कहता है कि कितने मांगे कबीरा से, कहता है उसको खड़क सिंह को देखने 30-17.5 2 लाख बोलता है, कहता है 10 लाख रुकिया। क्या है यहाँ पे सू वाला कल्चर ही नहीं है यार। मैं यू नो दिस वाज आई एम लाइक इट्स अ वेरी स्टूपिड एंड वेरी लेजी मैनस ड्रीम, और मुझे ऐसा लगता था कि मैं किसी बड़ी कंपनी को सू करके बहुत सारे पैसे मांग लूं। अरे दिस इज स्टिल अ हेल्दी ड्रीम। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है, उनको लगता है सू करके ये सब क्या करना है भाई, की प्रॉपर्टी हड़पेंगे हैं, धीरे 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 उनको भेंचो, रोज हरास करो, दिमाग खराब करो, तो इवेंचुअली वो कर ही देंगे कि ठीक है भाई घर का बंटवारा कर देते हैं, ऐसे हाफ घर आ जाएगा, फिर दूसरे हाफ में कचरा फेंकेंगे, फिर वो छोड़ देंगे यहाँ से। that's a good sketch at least if not a movie, full feature film अगर नहीं भी बनी, short film तो बनी सकती। मैं तेरे को एक और फक्ड अप चाचू स्टोरी सुनाऊं? हाँ क्यों नहीं यार, इसीलिए तो ये पॉडकास्ट है चाचू स्पेशल। हाँ हमारे भी ऐसे घर का बंटवारा हुआ हुआ है, ठीक है, जिसमें उनने घर ऐसे बीच से बांटा था, तो एक साइड ही रहते थे, एक साइड खाली पड़ा रहता था, तो खाली रहता था तो बहुत सारी चोरी वोरी हो जाती, फिटिंग हो जाती है। हमारी कॉलोनी में जो गार्ड आता है, हमने उसको बोल दिया कि आप वहां पे रह लो, तो आपका रहना वो हो जाएगा और थोड़ा ध्यान रखते रहेंगे, तो वो अपनी वाइफ के साथ रहने लग गया, ठीक है। इवेंचुअली हमने उनको निकाल दिया, क्योंकि हमें पता चला जो ये गार्ड है ये कुछ अपने 60s में होगा, इनकी वाइफ भी 60s में, हमें पता चला कि जो वाइफ है वो वहां पे जिस्म फिरोशी का धंधा करती है। मैं रेगुलर वर्ड नहीं बोलना चाह रहा क्योंकि सारा चैनल फ्लैग हो जाता है, ठीक है। ये बात बताओ, वो गार्ड 65 साल का है, हाँ, कि वाइफ की एज क्या होगी? उसके आसपास ही है, उसी के आसपास है, वो जिस्म परोशी का धंधा कैसे यस, धंधा करती, अरे करती है, करती है भाई, होगा क्लाइंटल मुझे क्या मालूम। तो वहां पे जो सफाई वफाई करने जाते थे ना, बहुत टाइम से बोल रहे थे, तो हम नहीं मान रहे थे, फिर बाद में पुलिस ने बताया कि भाई आपने किसको रखा हुआ है, तो फिर हमने उनको बोला कि आप प्लीज वेकेट कर दो, और वो चले गए वहां से, ठीक है। ये स्टोरी एंड हुई है यहाँ पे, हमने वी फाउंड दिस आउट इन 2021 एंड, ओके। ड्यूरिंग द सेकेंड वेव मेरी मम्मी को कोविड हुआ था और नानू नानी को कोविड हुआ था, तो उनको साथ में लाए थे, तो हमने वैसे करा था कि घर के अंदर ही क्लिनिक बंद करके वो लोग रह ले, क्योंकि मेरे पापा को पहले से कुछ मेडिकल हिस्ट्री है, इस चक्कर में उन पे वो नहीं होना चाहिए। तो मेरे चाचू ने मेरे को फोन करा कि घर में क्यों रख रहे हो, तुम्हारे पापा इज प्रोन टू गेटिंग सिक, घर में मत रखो, दूसरे वहां पे वाले घर में रख लो। तो हमने कहा कि भाई वहां पे कौन खाना वाना देगा, ये लोग भी तो मरीज ही हैं, ये लोग रिकवर कर रहे हैं, किसी को खाना देना है, ये करना है, ये सब कुछ कुछ करना है। कह रहे हैं अरे वो लेडी है ना, वो बहुत अच्छी रोटियां बनाती है। बहुत बहुत टेस्टी खाना बनाती है, उसको कर देगी। हमने कहा नहीं यार कैसे करेंगे, ऐसे किसी को बोल दे, हम कुछ करेंगे। अरे कह रहे अरे वो बहुत बढ़िया चपाती वपाती बनाती है। और फिर मैंने ये वाली चीज कभी मम्मी मम्मी को बताई भी नहीं, क्योंकि उनको फिर थोड़ा ऑफेंसिव ही लगता है, लेकिन जब बाद में पता चला था तो सिर्फ ये मेरे को से... हाँ, अरे नहीं देखेंगे। तो Only I knew about it, कि क्योंकि उनने ये ऑफ, ये डिटेल तो कोई पास ऑन करने वाली डिटेल ही नहीं है ना, पापा को मैंने बाकी चीजें बताई, ये सब थोड़ी बताया, तो कह रहे थे उनके हाथ की रोटियां बहुत बड़ी है। यार चाचू बहुत कलाकार हैं। या पहली बात तो इसमें एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि ये दिस इज अ यंग वुमन्स गेम, तो पीपल एज 65 शुड प्लीज रिस्पेक्टफुली रिटायरमेंट के बाद एक मेरे कुछ सपने थे जो मैं पूरे नहीं कर पाए, तो कर रहे हैं अब। Also, तुम लोग यू वर वेरी नाइस टू लाइक जिस्म फरोशी वाला जो बिजनेस कर रहे हैं तुम्हारे ही घर पे, उनसे यू वर वेरी नाइस बाय सेइंग प्लीज वेकेट। आई थिंक पुलिस को लेके उनको भगाया जा सकता था, खदेड़ा जा सकता। नहीं तो वो उनने वैसे पहले करा था कि बीच बीच में उनके रिश्तेदार आके कुछ कुछ पूरा घर खोल के रिश्तेदारों को रुकवा देते थे, ठीक है, तो वो भी थोड़ा होता था कि क्यों करवा रहे हो, उन्होंने कहा खाली तो पड़ा हुआ है क्या हो गया, फिर हमने कहा नहीं मत करो ये घर वर मत खोला करो, फिर बाद में ऐसे कोई कोई और रैंडम जो उनके क्लाइंट्स है वो आके रुक जाया करते थे, तो तब तो उसी के थ्रू पता चला कि हमने कहा कि फिर से रिश्तेदार आ रहे हैं, तो फिर जो क्लिनिक ले जाते हैं उन्होंने कहा अरे रिश्तेदार नहीं है ये, तो वो है टेम्पररी साजन। इन लोगों की रिश्तेदारों की शक्ल नहीं मिलती बिल्कुल, और बहुत एकदम एक ब्लैक बंदा है, ये क्या हुआ? और बहुत मोटा शगुन छोड़ के जाते हैं सारे रिश्तेदार, हमेशा एक बंडल ऑफ कैश। हमारे घर में 500 रुपए मिलते हैं, ये क्या हो रहा है? फैमिली 500 ही देते होंगे।
हाँ पांचवी, अच्छा पांचवी दे देते हो फिर, तो इतना मोटा नहीं है, हाँ तो कोई इतना मोटा नहीं हुआ। एक एक रुपए की गड्डी देते होंगे पांच मोटा हो जाता हो क्योंकि वो आदत होती थी ना, वो डांस बार में से जब उड़ाते थे तो छोटे छोटे, वो दस भी दस के नकली लेके होते, जाते थे। हाँ नकली नोट दिए जाते हैं वहां। अच्छा ऐसा है। तो तुम वहां पे जाके पहले उनको पैसे दे दोगे, काउंटर पे जाके पैसे दे दोगे, फिर वो तुमको वो नोट देंगे, वो नोट या तो 1-1 रुपए के नोट हो, या मेरे जो मुझे बताया गया था कि नकली देते हैं, तो फिर तुम नकली उछालोगे, वो लोग उठाएंगे वहां पे जाके जमा जमा करेंगे, तो उनको असली पैसे मिलेंगे। इट्स लाइक टोकन सिस्टम जो वहां पे ना, ओ जैसे करेक्ट, पोकर पोकर वगैरह में करते हैं। ओके द चिप इज रियल मनी बट ओनली व्हेन यू गो गिव इट टू द काउंटर या इज रियल मनी, अदरवाइज द चिप हैज नो। यार ऑल्सो मनी इज नेवर मनी, इट इज द प्रॉमिस ऑफ मनी, दैट्स ट्रू, उस पे लिखा होता है यस ना। डियर आई प्रॉमिस टू पे द या बियर। अगर आप में ट्रस्ट है तो फिर ये पेपर वेपर का प्रॉमिस क्या, आंख आंख में बता दो कितना देने वाले हो। तो देखो चल तो बार्टर ही रहे, हम प्रॉमिस हाँ किसी बंदे को देते हैं और वो काम दे देता है, और यही प्रॉमिस घूमता चला जा रहा है, वो 500 का अगर प्रॉमिस फट गया खत्म। या मेरी अभी जो रिसेंटली एक जो क्लीनिंग वाली मेड है वो फुल फिराक में लगी हुई है चोरी करने के, बट मैं करने नहीं दे रहा हूँ, बहुत दुखी है भाई वो। क्योंकि मैं उसको मैंने एक आध बार कबर्ड खोलते हुए देख लिया, मैं कहा झाड़ू पोछा बर्तन में कबर्ड का क्या वो है, कह रही मैं कहा कपड़े खराब हो रखे हैं अरेंज कर दूं, मैं कहा कोई दिक्कत नहीं है आप ये मत कभी करना अरेंज। फिर मैं सारे कबर्ड लॉक करने लग गए तो फिर बड़ा वैसे से बहुत ही गुस्से से झाड़ू लगाने लग गई। और वो अब इस हफ्ते से उसने सब चीजें ट्राई कर ली, एक बार मैं गेट खोला तो उसके साथ एक और कोई दूसरी लेडी आई थी, कहती अब से हम दोनों काम करेंगे सेम प्राइस पे। मैं कहा कोई क्या फालतू की बात है ये, दो लोग क्यों आएंगे, कह रही वो झाड़ झाड़ करेंगे मैं बर्तन बर्तन करूंगी। मैं कहा कोई दिक्कत नहीं तो अकेले ही करेंगे। फिर वो कहने लगी कि लाइजोल खत्म हो गया, एक काम करो मैं डस्टिंग कर लेती हूँ, तब तक आप नीचे से जाके लाइजोल ले आओ। मैं कहा आज आज पोछा नहीं करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत दुखी है भाई। लेकिन अब मैं मेरे को नहीं करना है इसको, हटाना नहीं है भाई, क्या बस ढूंढता ही रहूं सबको, इससे अच्छा मैं बस लॉक करके बैठा देखता रहूंगा कि चोरी मत करो। बाय द वे दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग दैट हैपेंस टू एवरीवन, कि घर पे अगर कोई चीज गायब हो गई तो यू ब्लेम इमीडिएटली ऑन द मेड, है ना, और बाद में मिल जाती है, लेकिन तुम किस मुंह से उनको बोलोगे कि सॉरी हम तो तुमको चोर बोल ही रहे थे, अभी मिल गई, यू नेवर इवन टेल देम। तो दिस इज समथिंग दैट दे हैव टू गो थ्रू अलॉट। आई एम नॉट सेइंग ये चोर नहीं हो सकता, ये चोर हो ही, मतलब ये चोर बनना चाहती है एस्पिरेंट बट कर नहीं पा रही तो अभी तक। मौका नहीं दे रहा हो। यस बहुत आई एम वेरी प्राउड हाँ ये हमारे यहाँ, मतलब हम लोग तो वैसा है कि हम चाबी दे रखी है और हम लोग तो चले भी जाते हैं, उन्हें पीछे से आके सफाई कर देती तुम लोग के तो बहुत टाइम से भी है ना ये, है। बहुत हाँ भाई ट्रस्टेड भी है ये, और वाइब से भी पता चल जाता है भाई कि थोड़ा सा क्या हुआ है। और ये भी है कि दैट इज नॉट एन अपार्टमेंट ना, वो घर है, यहाँ पे अपार्टमेंट है, तो यहाँ पे तो मतलब नीचे सबके डिटेल्स लिखे जाते हैं, कार्ड मिलता है, सीसीटीवी है, बहुत सारी चीजें हैं, तो देयर इज अ लॉट ऑफ अश्योरेंस। ये सब यहाँ पे भी है, तब भी चोरियां हुई हुई है हमारे यहाँ पे, पहले भी जो मेड्स आई हुई उनने भी चोरी वोरी करी हुई है सब कुछ, लेकिन वो अगर, नहीं हाँ एक ये भी चीज है कि वीडियो अगर मिल भी जाते हैं पुलिस कुछ नहीं करती, वो बस देख, वो वीडियो देख लेगी, लेकिन अगर तुम बोलोगे कि इस पे एक्शन लो तो देन यू हैव टू लाइक आई नहीं मीन फिर तो तुम्हें गुंडे भिजवा के वो पैसे निकलवाने पड़ेंगे, वो ही है सोल्यूशन और कुछ नहीं है। और यहाँ पे गुड़गांव में साला किसके गुंडे किसकी बैग क्या वो है, मेरी बैग फिलहाल मेरा कुकी है जो कहता है कि आप, मैं बहुत सारे मालिश वालों को जानता हूँ जो पीट देंगे लोगों को आके गुंड। गुंडे तो किस घर में नहीं है गुड़गांव में, हर घर हाँ में हमारे भी चार सही। गुंडे हैं, रिंकू चिंकू। हम लोगों ने जो एक्चुअली ये जितने भी शोज भी आते हैं, अगर तुम देखोगे तो पुलिस की बेइज्जती वाले बहुत सारे आते हैं, चाहे वो पुलिस में अगर ऐसा भी हो ना कि पुलिस के ऊपर पूरा शो बना है, अभी पाताल लोक या फिर अभी ये दहाड़ बना हुआ है, तो उसमें भी व्हाट दे शो इज इट्स अ कॉमन थीम ओनली, कि पुलिस वाले जो लोअर रैंक में वो तो काम करना चाहते हैं, लेकिन जो हायर रैंक वाले वो अपर वाले करना हैं हाँ, वो इतनी घूस खा के बैठे हुए हैं जो कहते हैं अपना काम करिए, जो आपको जितना बोला गया है उतना करिए, ज्यादा एसपी बनने की जरूरत नहीं है। तो तू सोच जो हायर रैंक वाले वो भी तो समाज में ही रहते हैं ना, वो देख रहे होंगे कोई डीजीपी मेरे मामा है, वो देखते होंगे उनको कैसा लगता होगा कि हमारी प्रॉब्लम्स के बारे में कौन शो बनाएगा, कि हायर रैंक वाले हैं वो भी हो सकता है करप्ट ना हो, लेकिन लो रैंक वाले करना या उनसे ऊपर मिनिस्टर है, दिस चेन विल कीप गोइंग ऑन, बट पुलिस की बेइज्जती अभी तक हायर रैंक वालों की हो रही है, लो रैंक वालों को थोड़ा सा
बचाने वाले आ गए हैं प्रोड्यूसर। हाँ, मिनिस्टर जी का दबाव बहुत ज्यादा रहता है, मैंने देखा सारे शोज में। इट्स सो सिंपल ना, हाँ, मिनिस्टर कुछ भी अच्छा नहीं होने दे रहे होते मिनिस्टर जी कभी भी। अभी आ गया भाई 20% टी, क्या है सीएमसी, कौन सा वो टैक्स आया है कि तुम अगर फॉरेन में जाओगे और तुमने क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर दिया तो उसके ऊपर 20% टैक्स लग जाएगा। ओ भाई, 20% इज 1/5, व्हाट द फक इज दिस, बहुत ही हाई टैक्स है। और मतलब ना ये फॉरेन जाने देना है, ना यहाँ पे जीने दे रहे हैं, मैं जो सब खोद दी रोडे कहाँ जाए, हम तो चाहते हैं कि यहाँ से निकलें थोड़ी साफ सांस लें, और उस पर भी टैक्स लगा रहे हैं। पैसे सिर्फ मिडिल क्लास देता है, सारे टैक्सेस मिडिल क्लास देता है, अपर क्लास को टैक्स देने की जरूरत नहीं है, वो बिजनेस में और हर चीज में छुपा देते हैं, लोअर के पास पैसा ही नहीं, वो क्या टैक्स देगा, गाड़ा वही लगती रहती है, हम कैसे जाए अपर क्लास में यार। वी हैव टू बिकम अल्ट्रा रिच समहाउ, दैट इज द ओनली वे यू कैन लिव इन दिस कंट्री पीसफुली, बिकॉज इफ यू रिमेन इन दिस स्ट्रैटा तो तुम दबते ही रहोगे भाई। और दूसरी बात है, सबसे बड़ा अड़चन इसमें है कि हमारी पर्सनालिटी जो है वो नकली पने से मैं इमिडिएटली ट्रिगर होके चिढ़ के कुछ अगली रिएक्शन दे देती है। अगर वो नहीं होता तो क्या ये सब सोल्यूशन कितना इजी है कि किसी का किसी ऐसी सड़े हुए रिलेशनशिप में रह लो, घर जमाई बन जाओ, ये सब कुछ कर दो। यहाँ तो थोड़ी सी अथॉरिटी है कि गुलाम नहीं हूँ किसी का, छिड़के सब बेंचोद हो जाते हैं। नहीं नहीं कुछ तो तरीका देखो, रिच मतलब ये जो मिडिल क्लास वाला सेक्शन है उससे निकलने के तरीके बिजनेसेस ही होती है। जॉब में कितना भी कमा लो, आई डोंट थिंक यू कैन बिकम अल्ट्रा रिच, है ना। और वो नहीं, बट बिजनेस इज आल्सो वेरी हाई रिस्क। हैव यू नॉट नोन पीपल हु हैव जस्ट लॉस्ट अ लॉट इन बिजनेस? आई नो माय फादर अ लॉट ऑफ पीपल, बट तो होता ही है यार। लेकिन वो रिस्क अगर तुम नहीं लोगे तो यू कांट गो, मतलब यहाँ पे जो लो रिस्क चीज है इट्स लाइक एन एफडी और सेविंग्स अकाउंट, तो वही मिलेगा जो 6% या जो भी मिलता है 4%। अभी बढ़ गया वापस है, इस साल रेट बढ़ा है, 6.5 हो गया है मतलब। और अगर तुम सीनियर सिटीजन ऐड कर दो और ये सब कर दो, 6.5 हो जाएगा। इट डजंट इवन बीट इन्फ्लेशन भाई, मतलब 6% तो इन्फ्लेशन ही हो जाता। अगर तुमको जीतना है उससे, अगर तुमको रिच बनना है तो मेरे को इसमें मैं हमेशा ये लॉजिक लगाता हूँ कि इन्फ्लेशन का एक अपना रेट चल रहा है और मेरा एक स्टूपिडिटी का अपना एक रेट चल रहा है, तो अगर मैं एफडी में डाल के पैसे हटा दे रहा हूँ तो कम से कम मैं उसे अपने आप से दूर रख रहा हूँ कि मैं कुछ चूतिया कर दूंगा उस पैसे के साथ, तो वो एक एडवांटेज। तो उसके हिसाब से जस्ट केप्ट दिस मनी असाइड। ये तो है, वैसे मैंने स्टॉक्स में डाले पैसे और एफडी से कम रेट दे रहा है, डू भी -8% दिया अभी तक। बट मैं तो कह रहा हूं, मेरे को स्टॉक्स से हमेशा यही डर रहता है, एक देयर इज अ बिट दैट आई हैव डन अबाउट इट, बट समथिंग दैट इज नॉट देयर इन द बिट इज आई फकिंग ट्रस्ट माय स्टूपिडिटी, क्योंकि वो कहते हैं ना स्टॉक्स में रेट हाई है, बट वो भी तो समझने के लिए मेरा दिमाग हैज टू बी be aware of what the global culture is, कौन सी कंपनी उठ रही है, कौन सी इंडस्ट्री डूबने वाली है, कोई अंदाजा ही नहीं है बहन छोड़, कहाँ बस कौन से पता है फालतू लोगों की, इररेलेवेंट लोगों की, वो भी बहन छोड़ ऐसी कोई सब्सटेंशियल गॉसिप नहीं कि कुछ अमित जी को ब्लैकमेल करके पैसे निकालवा, कुछ नहीं है भाई, सीन की गुड़गांव सीन की गॉसिप पता है, क्या करेंगे उसके साथ। हमने तो अभी वही बस नेशनल गॉसिप सुनी कि अदानी तो अपना भाई है इसका मोदी का, तो उसकी कंपनी थोड़ी डूबेगी, डाल दिए पैसे मेरे साथ डूब, बट आई एम होपिंग कि वापस हिंडलबर्ग में इसका कुछ होगा नहीं जो भी है, और उसके बाद वापस उठ जाएगा और मेरे पैसे वापस। स्टॉक मार्केट तो भाई साहब ऊपर नीचे, तो फिर मेरे पास सिर्फ नीचे नीचे के हिस्से खाए आ रहे हैं भाई। बस यही तो दिक्कत है यार, इट्स नॉट इजी, ट्रेडिंग ऑल्सो इज नॉट इजी। मेरे एक दोस्त ने करी और 8 लाख रुपए उसके घुस गए क्योंकि वो शॉर्ट करता था। अच्छा, हमने पिछले एपिसोड में यही बात करी थी ना, शॉर्टिंग, तो शॉर्टिंग भी नहीं करनी है मुझे, स्टॉक में ही डालना है, लेकिन स्टॉक में भी द वेटिंग गेम, तब तक तुम रोज नेगेटिव। हाँ, वो सब बस बोलते रहते हैं कि स्टॉक्स का लंबा गेम खेल रहे हैं, हम उससे भी लंबा गेम खेल रहे हैं भाई साहब, मेहनत और परिश्रम का, भगवान में ट्रस्ट का, परसिवियरेंस का, गरीबी का। भाई मैं इस बार फिर से वो करा, जस्ट कंज्यूमर एंजाइटी के थ्रू गुजरा, क्योंकि मेरे को जिसको मैं अभी डेट कर रहा हूँ उसने मेरे को बर्थडे पे एक वो भेजा कि कपड़ा भेजा कि इसकी कस्टम मेड शर्ट बनाते हैं रेमंड, तो
मेरे को लगा अब ये तो ट्रस्टेड है भैंजो, रेमंड में किसी भी स्टोर पे चले जाओ। फिर मैं उसको दिया, फिर इसने मेरे से पूछा, उसने जैसे पूछा ना कि पॉकेट लगाएंगे और कॉलर कैसे लगाएंगे सब कुछ, मैं कहा नहीं कुछ नहीं पूछा। फिर कैरियर है वो पूछते हैं और फिर ट्रायल के लिए बुलाते हैं, फिर डिलीवर करते हैं, फिर मैं वापस से रेमंड गया ट्रायल के लिए बुलाते हैं, कह रहे ऐसा कुछ नहीं होता हमारे यहाँ। मैं कहा तो फिर वापस दो शर्ट, कह रहे हैं जाओ जाओ देखो। फिर भैंजो दो तीन स्टोर घूमा, फिर एक स्टोर मिला, उसने कहा कि हाँ सर यही होता है, ये तो रेमंड का प्रोटोकॉल है कि ट्रायल के लिए बुलाते हैं उसके, वरना कस्टम शर्ट का पॉइंट ही है। मैं कहा हाँ तो फिर आप कर दोगे? उसने कहा ठीक है। फिर उसने नाम लिखा, कह रहा नाम क्या? मैं चिरा, कह रहा है पहली बार 6 साल में पहली बार इस नाम का एक कस्टमर आया है क्या? तो ये बेंचो, ये थोड़ी इनकी मीठी बात है, मेरे को लग रही थी कि ये क्या और बेंचो को चिपकाने वाले हैं, क्या करने वाले हैं। तो बहुत ही डर डर के कि, और ये भी है कि भाई उसने मेरे को गिफ्ट भेजा है, तो ऐसा ना हो बेंचो उसका पूरा गिफ्ट ही वेस्ट हो जाए मेरे से। तो फिर क्या अभी फाइनली बनवा रहे हो कि नहीं? जिस जिसके यहाँ पे पहला चिराग आया 6 साल उसी के यहाँ देख आया हूँ, मैं देखता हूँ। यार अगर उसके यहाँ 6 साल में एक ही चिराग आया तो आई थिंक बिक्री ज्यादा है। नहीं हाँ बिक्री ज्यादा नहीं है क्योंकि कॉमन ही नाम है यार। मैं लेकिन बस उसके रिव्यूज ठीक लिखे हुए थे, और फिर मैं कहा 6 साल में कैसे नहीं आया कभी? कह रहा है एक्चुअली सर मेरे बेटे का नाम है चिराग। तो फिर मैं वो उस फेथ में दे दिया कि अपने बेटे के साथ तो ये खराब नहीं करेगा। तो कस्टम टी शर्ट बनाने के लिए फिर जो डिजाइन, शर्ट शर्ट, हाँ शर्ट, तो शर्ट तो सिलवाते तो कस्टम ही होती है। शर्ट तो हमें सिलवाते ही रहते हैं वो, लेकिन ऐसा होता है कि आई थिंक रेमंड का कुछ अलग से है कि तुम रेमंड का कपड़ा लेके उन्हीं को दे दो तो वो बना देते हैं। अच्छा तो वो अपने टेलर यूज करेंगे डिजाइन, हाँ। और डिजाइन तुझे कुछ बतानी पड़ी कि वो अपने आप कर ले? मैं एक शर्ट ले गया, मैं कहा ऐसी बना देना भाई। क्या है मतलब यू कैन देन अगर कस्टम है तो यू कैन टेल अ लॉट ऑफ थिंग्स ना कि मुझे तुझे पॉकेट की डिजाइन क्या चाहिए नहीं कितना? तो वो पहले मैं कंफ्यूज हुआ पॉकेट की डिजाइन क्या चाहिए, तो उसका सोल्यूशन मैंने निकाला कि पॉकेट हटा दो भैया, ठीक है। okay. और बस शर्ट एक, में पॉकेट ही नहीं है। हाँ शर्ट में पॉकेट नहीं है, जेब में रखेंगे क्या हो गया, कोई वो थोड़ी रखना है बेंच, यहाँ पे बैंक थोड़ी जा रहे हैं कि पेन रखने के लिए जगह चाहिए। लेकिन जनरली वो रखते हैं ना वो रुमाल, वो क्या होता है कपड़ा है। और फिर उसके बाद उस पॉकेट स्क्वायर वो तो लेकिन सूट में लगा देते ना, पॉकेट स्क्वायर वो तो सूट में भी लगा सकते हैं। फिर उसके बाद उसने कहा कॉलर आपको लंबे लंबे चाहिए या फिर सोबर? मैं कहा आप जैसे फ्रेम करने सवाल, मैं आंसर तो सोबर ही दूंगा। या सोबर चाहिए या रैंडम वाले? ये तो आपका बायस मुझे दिख गया आपके सवाल। और क्या बस। और उसने कहा नीचे शेप कैसी है? मैं कहा जैसी शर्ट लाए उसके जैसी बना देना शेप भाई, और क्या। तो उससे क्यों नहीं पूछ लिया, वो बता देती बट नहीं उसने नहीं। उसने बताया था बट मेरे को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था। उसने कहा उसने वो हेल्म्स के कुछ वो करेंगे? मैं कहा हेल्म की तो कोई बात ही नहीं हुई भाई, उनने हेल्म के कुछ और, पता नहीं क्या होता है, वही तो कह रहा हूँ ये सब चीजों में थोड़ा, और ये सब चीजें करके मेरे को उसने जितने जिस दुकान में घुसने से पहले बताया, तो या तो मेरे को बहुत रेगुलरली वीडियो देखे हेल्म समझे ये सब कुछ करके जाऊं ताकि मैं कॉन्फिडेंटली बोलूं भैया आप हेल्म तो बना देना, मेरे पास कोई ना तो कॉन्फिडेंस था ना कोई इन्फॉर्मेशन थी, तो मैं एक शर्ट ले गया भाई ऐसी बना देना प्लीज। वैसे तो उससे तो पूछ ही सकता था हेल्म क्या होती है, वो तो बता देती। हाँ इतना तो ट्रस्ट कम्युनिकेशन है हमारे रिलेशनशिप। तू बस तूने उसका एक डायरेक्शन सुना और पहुंच गया वहां पे जाके। नहीं ढूंढे वो तो मैंने ही ढूंढे। अच्छा नाइस ठीक है दिखाना भाई कस्टम। एक्चुअली मैं कभी बनता नहीं हूँ सिले हुए कपड़े क्योंकि मुझे इतना शौक नहीं कपड़े वपड़े बनवाने का, बट मैं एक दो बार ही शर्ट पहनी है, कोई ला के रख दी थी घर में जब नौकरी पहली लगी थी, उसके पहले खरीद ली थी, वही मेरे पास रखी हुई आज तक, और साइज तो बदला नहीं है सेम ही है, तो मैं अभी भी यूज कर सकता हूँ। इसलिए मेरे पास एक ही शर्ट है आई थिंक, एक मेरे पास नॉन डेनिम पैंट है, बाकी मैं पजामे पहनता हूँ और टी शर्ट पहनता हूँ, मेरी वार्डरोब सिर्फ पजामे और टी शर्ट है, तो क्या ही उसमें मैं कर सकता हूँ भाई, क्योंकि तो मैंने कभी नहीं पहना। अपने 95% टाइम तो अपने अपार्टमेंट में निकालता है। फिर क्या क्या पहनूं यही ये वाली टी शर्ट 14 है बता तो, हाँ तो वो कंफर्ट वेयर के हिसाब से ही करता है ना तू, राइट? नो नो बट इवन व्हेन आई गो आउटसाइड मैं शोज में भी पजामे ही पहनता हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं उसके लिए अलग से ड्रेसअप होने के लिए कुछ ढूंढूं या डिजाइनर शर्ट्स लोग पहनते हैं, मैंने कभी नहीं पहनी डिजाइन। मेरे को वो फ्लोरल डिजाइन तो मेरे को जस्ट आई फकिंग डिड नॉट बाय इनटू दैट फैड, इतनी वियर्ड वो लगती है मेरे को। आई हैव ऑलवेज बीन अ सॉलिड सपोर्टर ऑफ सॉलिड कलर्स एंड सोबर। या एंड सोबर
लंबे लंबे कॉलर नीचे मेरे को मुझे तो भाई पसंद है, फ्लोरल मैं पहन चुका हूँ, वो फ्लोरल ही थी जो मैंने उसमें हैप्पी आई वाले में पहनी थी, उसे क्या हाँ बोलूँ, हाँ वो फ्लोरल फ्लोरल ही नहीं, वो तो वही मतलब यू ओनली डिस्क्राइब्ड इट एप्टली कि कैनवस पोछा हुआ उससे हाँ बहुत सारे कलर थे तो मैं पहनी, मुझे अच्छी लगी थी, हाँ रखी वो तो उस टाइम सब रंग लेके आया हूँ मैं तो मैं कुछ भी आई डोंट माइंड कुछ भी पहन लूंगा, बट यार खरीदने की मेहनत मुझे नहीं करती कि जाओ और ढूंढो बहुत ही इतना वो, हाँ वो खराब ही लगता है खरीदने में कि ये फिटिंग कैसी आ रही है। एक तो पता नहीं क्या ट्रायल रूम होते हैं उसमें, मेरे को अपनी बॉडी बहुत ही गंदी लगती है। मेरे को घर पे इतना खराब नहीं लगता है, लेकिन ट्रायल रूम में ऐसा लगता है भैंचो इतने साल से कोई वर्कआउट नहीं, सब चीजें वो हो जाती है कि भाई सालों से वर्कआउट नहीं करा, एक्सरसाइज नहीं करे, कैसे मुंह हो गए होनी है उसमें पिक्चर में, अदरक की तरह बढ़े जा रहे हो कहीं से भी कुछ भी बढ़ रहा होता है है। हाँ ना तनुवेट्स मनु टू, मनु रिटर्न्स में याद होता भी है। कहीं से डूब रहा है अदरक की तरह हाँ अरे बट ये जैसे द गर्ल दैट यू आर डेटिंग वो लेके वो शॉपिंग करवा सकती है तेरी, या बिकॉज वो शी हाँ एग्जैक्टली नोज दैट बेटर, या मेरी भी मतलब द दैट गर्ल आई एम डेटिंग वो भी बहुत मेरे को फोन करती है कर लो शॉपिंग, और ये ट्रायल में जब भी हम जैसे जाते हैं तो मैं ऐसे उठा लेता हूँ कि बस ये हो गया, कहती है अरे चेक तो करो ट्रायल तो करो, मैं भाई मुझे पता है मेरा साइज मीडियम है ना मीडियम, डन हाँ डन वो नहीं टेस्ट करो पता चले कि क्या है, एंड उस इरिटेशन में मैं कपड़ा ही नहीं खरीदता मुझे आई डोंट वॉन्ट टू गो एंड टेस्ट एक बैरियर, बड़ा बैरियर मेरे मन में आता है कि मैं जिस तरह के कपड़े ऑलरेडी ओन करता हूँ उसी का कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा होता हूँ। जैसे एक ब्लैक शर्ट है जो मेरे पास है जो फेड हो चुकी है, तो अब मेरे को एक और ब्लैक ही शर्ट चाहिए, तो वो ढूंढने, और वो सेम तो मिलती नहीं है भाई। अब कुछ ऐसे अजीब से बटन लगे हैं, कुछ लगा हुआ, कुछ वो सिमिलर मिल ही नहीं पाता है, तो वो ही ऐसे लगता है मेरे पास जो तीन चार शर्ट जो मुझे ठीक लगती है उसके रेप्लिका चाहिए, क्योंकि वो भी बस फट गई है कॉलर से। अगर वो नहीं फटी होती तो मैं कभी नहीं लेता बेंच नए कपड़े। जैसे, इसलिए तो ये वाली मेरे पास बहुत सारी है जोकर टी शर्ट मैंने ढूंढ ली थी, उसके बाद वो रखी हुई है तो मेरे पास इतनी है कि मैं बदल बदल के पहनू, बस पता नहीं चलता लोगों को, अरे यही हाँ सेम ही टी शर्ट बट मेरे पास आया है हाँ तो एक एक मल्टीपल कार्टून कैरेक्टर की तरह ड्रेसअप होता है, जैसे प्रोफेसर वो थे पावरपफ गर्ल्स के, उनके पांच व्हाइट लैब कोट लगे हुए रहते थे अरे मार्क जकरबर्ग के पास भी एक ही टी शर्ट थी फॉर अ लॉन्ग टाइम, ही वुड शो कि यही मेरी एक टी शर्ट है एंड दैट इज जस्ट माय स्टाइल, मैं वही पहनता हूँ, आई फील लाइक आई कैन लाइक ट्राई अदर क्लोथ, इट्स जस्ट द एफर्ट टू गो एंड ट्राई दैट आई डोंट नो। आई थिंक अगर मेरे घर पे या कोई ऐसे कुछ टोक देता है ना कपड़ों से, क्योंकि मेरा भी कपड़ों का स्टाइल ऐसा रहता है कि मैंने कोई चीज खरीदी है तो वो मैं बिल्कुल 4 महीने वो ही पहनूंगा, वो ही मेरी जिस फेवरेट जिस हो गए। हाँ हाँ तो बस बस उसको घिस घिस के, और फिर मेरी मम्मी मम्मी कहती है कि क्या और कुछ है ही नहीं क्या तुम्हारे पास, मैं कहा है बट अभी ये इसका वो चल रहा है। गाने भी ऐसे सुनता हूँ कि गाना पसंद आया तो 4 दिन तक वही सेम बेंचो गाना चले जा रहा है, चले जा रहा चले जा रहा है, फिर उससे बोर होकर फिर एकदम से छोड़ दो। तो मैंने आई थिंक जब हैप्पी ऐसे 3 वीडियोस निकाले थे एक टी शर्ट में, तो मेरी मम्मी ने कहा था कि अब मेरे को उस टी शर्ट की एक वीडियो नहीं दिखनी चाहिए। मैं कह रहे वो तो मैं मिक्स करने के लिए पहना था, उन्होंने कहा था नहीं प्लीज अब कुछ थोड़ा ढंग के कपड़े पहन के कुछ वो करना। पहना यार एसी चला गर्मी तू भाई बिना यहाँ एसी पे, बैठा हुआ तब से? हाँ काफी देर से बैठा मुझे याद नहीं था, मुझे लग रहा है गर्मी लग रही है, क्यों लग रही है एक्चुअली बिजली है ना, जब मैं एसी चलाता हूँ तो भागने लगती है उसको ठंड लगने लगती हाँ है, और फिर अभी दरवाजा खोलने के लिए उठना पड़ेगा अगर ये भागेगी, अभी देखते हैं क्या करते हैं। मैं कुछ ऐसा पेट की है, कुछ ऐसे थोड़ी माइनर ट्रेजेडी सी हुई है, मैं तो वो बाद बताऊंगा, पोस्ट पॉडकास्ट बताता हूँ इसे। हाँ ऐसा है क्या कि बता नहीं सकता पॉडकास्ट मैं बता तो सकता ही हूँ, बट जस्ट वेरी मूड किलर टाइप का हुआ है ये। पर, अब तो सब लोग अपने आप ही सारा गंदा सोच ही लेंगे, ट्रक ने कुचल हाँ दिया, भेड़िया खा गया बिल्डिंग के किसी आदमी ने उसको तो एक्चुअली कुछ भी, एक तूने बीच में स्टोरी देखी थी मैं डाल रहा था, एक बहुत ही छोटा सा पपी था मेरे कॉलोनी में, एक ब्लैक एंड व्हाइट सा बहुत ही सुंदर सा पपी था। तो वो एक कॉलोनी के कुछ एक दो कुत्ते हैं जो जिसका सब ऐसे सब ध्यान रखते हैं, सब लोग खाना वाना डालते रहते हैं उसको। तो उसने बच्चे डिलीवर कर रहे थे तो 4 गाड़ी के नीचे आके मर गए थे, एक बचा हुआ था। तो एक वो धीरे धीरे करके मर गए, तो एक को हम लोगों ने फिर वैसे बांध के रख दिया कि उसका वो बीच बीच में सब उसको पार्क ले जाके खिलाते रहते थे, कुछ कुछ करते रहते थे, बट उसको बंधा रहता था ताकि वो गाड़ी के नीचे ना आए। ठीक है, तो आज उसको सुबह गार्ड ऐसी पार्क लेके गया, तो वहां पे बस उसने ऐसे वॉक करा और गिर गया और मरी गया। कुछ क्या हुआ पता नहीं, कुछ मेडिकल इशू है कुछ भी नहीं पता चला, कि बस ऐसे फिर मरी सही गया। तो फिर सुबह से आज मैं उस चक्कर में बहुत ही भैंचो खराब ही उसमें बैठा हुआ था कि
क्या ही है, इतनी सबने एफर्ट मारा ये करा तो फिर ऐसा लग रहा है फिर बेचारे को बांध के भी क्यों ही रखा है यार। हाँ नहीं, बांध के तो रखना वैसे नहीं चाहिए था। यार वही है, वो न्यूट्रिशन की कमी या फिर कुछ बीमारी हो गई, रीनल फेलियर से गिर जाते। मैन इट्स वेरी ऑल्सो इट इज जस्ट लव अ वेरी नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ की पेट्स वेट्स जाते रहते हैं करते रहते हैं। तो मैं आज सुबह से वो कुछ ऐसी वीडियो देख रहा था कि हाउ टू फील बेटर, उसमें एक लेडी थी वो साली उसने हाउ टू कोप विद योर लॉस ऑफ योर पेट ऐसे कुछ कुछ लिखा हुआ था, और एंड में फिर उसका कोर्स क्या था, इफ यू वॉन्ट यू कैन हायर मी, आई कैन स्पीक टू योर पेट्स हु हैव डाइड एंड कनेक्ट विद देम इन द स्पिरिट वर्ल्ड एंड देन लेट यू नो हाउ मच दे लव यू इज। मैं कहा फकिंग यू फाउंड एन ये एजेंडा इन दिस आल्सो जस्ट। तो, ये जो उसने तेरे को बोला है, भी पोस्ट लिखा था, दैट इज द मार्केटिंग, उसके बाद दे लाइक मेक यू अ क्लाइंट। ये अगर मैंने इसमें बात करनी शुरू करी तो इट ओपन लाइक, छोड़, इस पे हम बात कभी और कहा इसमें नहीं करेंगे, बिकॉज आई हैव अ लॉट लॉट ऑफ थिंग्स टू से अबाउट ऑल दीज कोचेस। वेरी 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 स्ट्रॉन्ग इंटेंस फीलिंग्स। वेरी सॉन्ग, ऑल माई फीलिंग्स यू नो हाउ इंटेंस है, बट यही है, ये मैंने इतने देखे, इस इज ब्रीफ कोच और ये सब, तो मैं मतलब आई डोंट वॉन्ट टू से टू मच क्योंकि समबडी विल गेट हर्ट। यार बहुत है, दिस इज अ बिजनेस, बट जो जो पेट्स हैं उनकी उनका ध्यान रखने में वो होता ही है यार, और जितने भी इट इज लोग लाइक टेकिंग केयर ऑफ अ बेबी भाई, और इट इज सो रैंडम। तो जब मेरी कॉलोनी में वो चार किटन्स थे ठीक है, तो उसमें से तीन गायब हो गए, आई एम अज्यूमिंग मरी गए, चौथा इसलिए नहीं मरा क्योंकि वो डरता था तो वो कॉलोनी से बाहर ही नहीं गया जिस किटन का मैं ध्यान रखता था ठीक है। फिर उसके बाद एक और छोटा सा किटन आया था जो मैं थिंक तुम लोग को फोटो भेजी थी, तो वो मेरे से भी बहुत ज्यादा डरता था, तो इसलिए वो खाना खाने के लिए बाहर ही नहीं आता था, निकलता ही नहीं था, मैं दूर भी खाना डाल के दूर चला जाता था, वो कुछ इतना ही डरता रहा कहाँ रहा छुप के, फिर वो भी अलग तरीके से गायब हो गया। तो सिर्फ एक किटन बचा जो डर के एक बस मिड सेक्शन में था, जो बहुत ज्यादा ब्रेव भी नहीं था, एक्सप्लोर भी करने नहीं जाता, लेकिन हम लोगों से कंफर्टेबल हो गया था कि हमारे सामने खाने वाना खाने आया था। इतना रैंडम है, बस आई थिंक अगर कुछ करना है तो मैं घर में रख के ही वो कर सकते हो, ऐसे नहीं बाहर स्ट्रीट पे कोई कुछ नहीं पल सकता है। ये इस सोसाइटी में भी हैं, बहुत सारी बिल्लियां हैं, हाँ लकीली यहाँ के लोग थोड़ा सा करते हैं, बट मैं नीचे बैठा हुआ था। अब क्या है कि एक तो ये जो ज्ञानी लोग हैं ना, ज्ञानी अंकल, उससे मुझे प्रॉब्लम है, मैं वहां पे बैठा हुआ और मैं बिल्ली हाँ को खिला रहा हूँ, मैं बस खिला रहा हूँ, मुझे पता है मेरे घर में बिल्लियां हैं, आई नो हाउ टू हाँ ट्रीट हाँ डील विद, मैं खिला रहा हूँ। एक आदमी आ गया, अरे हाउ मेनी किटन्स आर देयर, मैं कुछ नहीं बोल रहा, मैं भाई देख ले सामने, कह रहा है कि डोंट डिस्प्लेस देम, मैंने कहा व्हाई विल आई डिस्प्लेस देम, कह रहा नो नो आई एम जस्ट टेलिंग बिकॉज पीपल डोंट अंडरस्टैंड, दे थिंक दैट दे टेक देम एंड पुट देम इन अनदर बेस एंड देन दे आर लॉस्ट। मैं कहा भाग जाए यहाँ से भाई, अभी मैं वैसे ही गुस्से में यहाँ पे आई एम ट्राइंग टू प्ले विद देम, तो वो गुस्सा होकर चला गया और वहीं पे टहल रहा था, एक मतलब वो 1 घंटे तक टहलता ही रहा, वो बार बार आता था और मुझे देख के इज गिविंग मी अ डर्टी लुक, आई एम हाँ जस्ट हाँ सिटिंग देयर प्लेइंग, भाई आई कोई एम जस्ट एक एंग्री नियर। नकली पोलाइटनेस में आके कॉन्वर्सेशन शुरू करे और तुम पोलाइटनेस रेसिप्रोकेट नहीं करो तो उनका एंगर इतनी जल्दी ट्रिगर होता है बहन, जो झूठ है सबके सब। हाँ मतलब क्या, तू मेरे को जो ज्ञान दे रहा है, अगर मुझे हाँ पहले से पता है, बस मैं बोल दिया कि भाई मुझे पता है, चिल हो जा, ईगो हर्ट हो गया कि अरे मैं इतना बड़ा ज्ञानी किटेंस का, मैं लोगों को ज्ञान दे कैसे, हाँ मास्टर एक्चुअली आप देखेंगे तो मेरा भी यहाँ मास्टर कान कटा हुआ है क्योंकि आई एम ऑल्सो न्यूटर्ड, तो मैं उनकी साइकी समझने के लिए उनकी ही जिंदगी जीता हूं। आई आइडेंटिफाई आल्सो एज अ किटेन, तुम मुझे देख मैं भी तेरी लैब पे बैठ, इतनी छोटी है, मैं दिखाऊंगा तेरे को वीडियो नीचे जो है, तो बहुत छोटी छोटी बिल्लियां हैं। और यहाँ पे क्योंकि मतलब सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे पैचेस हैं जहाँ पे घनी घास है, तो कहीं कहीं घर बना, तो एक ग्रुप ऑफ किटन्स लिव समवेयर ओवर देयर, देन वन ग्रुप लिव्स हियर, ऐसे करके इस पूरी सोसाइटी में कम से कम 10-15 बिल्लियां हैं, कम से कम बहुत सारी हैं। तो वही है कि ये जब बड़ी हो जाएंगी तो ऑफकोर्स दे विल बी रनिंग अराउंड एवरीवेयर। नीचे जाओ टहलने जब हम जाते हैं तो कैट फूड थोड़ा सा लेके जाते हैं, कोई दिख जाए तो खिला दे। बट वो बहुत डर डर के वो उनको बस रख के वो ऐसे वो खुद ही लुक दे देते हैं कि अगर आप परोपकार कर रहे हैं तो करिए और जाइए, यहाँ पे बैठ हाँ के रेलिश मत करना देखो कि वाह कितने अच्छे से खिलाया मैंने किटन को, खाना रखो और कटो यहाँ से। लकीली हमारे
मेरे में तो ऐसा है कि बिकॉज आई हैव लाइक स्मेल्स ऑफ थ्री कैट्स, तो वो फिर दे गए कंफर्टेबल, ऑल द किटन्स कम टू मी, सो वो चिल. Yeah, it's like a wedding ring key. You can chill with this guy. He has a wife at home. He won't be creepy. Yeah, they're safe, na? Being domesticated, so it's okay. Yeah. I think this is the same thing. एक वो भी सीन है कि जो लोगों के पास पेट्स होते हैं और इफ इफ द पेट डाई, कोई कुत्ता है मर गया, तो ज्यादातर लोग जो मैंने सुना है वो यही करते हैं कि they'll now never have a pet. Of course. Some of them get another, but they're like, भाई अब तो लेंगे नहीं क्योंकि वो इतना ज़्यादा उनको दुख हो गया, उनको वो और कहीं करना ही नहीं. Yeah, and makes sense also. वो तो ऐसा मैं कभी कभी अदिति गाने में कर देते कि उसकी बिल्ली मर गई तो फिर इमरान खान उसके लिए एक नई बिल्ली ले आया. वाओ, यही तो थी प्रॉब्लम, उसको बस एक बिल्ली चाहिए थी कहीं पे भी. है मैं चुत चूती है. बढ़िया. इट इज अ लॉट ऑफ पेन, राइट? कि मेरे पास तो कभी पेट था नहीं, करीमा लेके आई है तीनों बिल्ली, पहली बार ही मैं पेट, बट Man, it's on some different level of attachment. I really miss the kitten, क्योंकि मेरे को realize हो रहा है कि मेरा जो खाली दिन होता था उसमें उसने बहुत contribute करा है भाई, कि वो चुपचाप बस मेरे एक तो वो रहता था कि जब मन नहीं हो रहा है कुछ भी करने का कि आया क्या है मैं नहीं उठना है, तब ऐसा होता था कि भाई सुबह उठ के खाना तो डालना ही है उसको, कुछ नहीं तो करना है, तो वो सब चीजों से थोड़ा सा जो आई थिंक एट सम पॉइंट पेरेंट्स को वैसे हो जाता होगा कि भाई पर्पस ऑफ लाइफ इज, हाँ हाँ ये सब नायलिज्म की फीलिंग्स मुझे भी आती है, बट स्कूल जाना है छोड़ना है. या अब तो मैं भाई आई एम एट दैट एज कि जब भी मैं कोई शो देखता हूँ और कोई बच्चा ऐसे बदतमीजी कर रहा होता है बाप से, तो मुझे सबसे पहले यही लगता है कि इस बच्चे को चाटा मारो. मैं तुम्हारी बदतमीजियां ये मैं कर रहा हूँ स्पॉन्सर. अभी मैं वो देख रहा था, थोड़ी सी देखी, बहुत ही घटिया फिल्म है, क्वांटम रियल्म वाली. कौन सी? क्वांटम मेनिया. एंटमैन. एंटमैन शुरुआत होती है और उसकी टीनेजर लड़की है, बेटी है ना वो कैसी, और उससे थोड़ा सा ऐसे कह रहे हैं, व्हाट हैव यू डन, व्हाट हैव यू डन, तुझे तुझे पाला बचाया तुझे, अभी एक सीन में तेरी दो बार लाइफ बचा ली, तमीज से बात कर बाप से. तो पूरी मूवी में यही लिख रहा था कि तमीज क्यों नहीं बच्चों, चेंज द लॉट, बिकम टू ओल्ड नाउ. एंड कौन सी देखी नई मूवी? कौन सी कोई नई मूवी देखी? नहीं कुछ नहीं देखा मैंने हाल फिलहाल में, बस यही गार्डन्स ऑफ गैलेक्सी देखी थी, उसके बाद से क्या देखा, एक टेड लासो पेंडिंग पड़ा हुआ है वो देखना यार, ये बैरी तो छोड़ दिया मैंने, मैं सोचा है कि क्या देखूं, काम खा सक्सेशन भी देख रहा था वो भी मेरे को ऐसा लग रहा है कि ठीक ही है. बैरी आई थिंक फाइनल सीजन आ गया. बैरी बैरी जो हमने वो डिस्कस करा हुआ है बिल हेडर वाला, उसका फाइनल सीजन आ गया. हाँ फाइनल सीजन आया, ये लास्ट सीजन आया आई थिंक, क्योंकि पिछले सीजन तक देखा था, पिछले सीजन में बिल्कुल मजा नहीं आया था, तो मैं सोच रहा हूँ क्या देखना चाहिए कि नहीं, क्या है, मोस्टली नहीं देखूंगा अभी वाला. एक मिनट, पिछले सीजन में तो वो पकड़ लिया गया था ना? या जेल चला जाता है. हाँ तो दैट वाज नॉट द एंड. नहीं नहीं वो तो मतलब ऑफ कोर्स जेल इज नेवर द एंड ऑन ओटीटी, ये तो पुरानी हिंदी पिक्चरों में होता था, विलन चले गए जेल सलाखों के पीछे, अब कुछ नहीं होगा. ओटीटी में तो असली जेल में ही प्लानिंग प्लॉटिंग शुरू होगा भाई. वाओ डू, तो अब I was detached from Barry. In the last season, I was also detached, क्योंकि फिर कुछ मजा नहीं आया मेरे को उसमें. और actually जो series का core वो था ना कि an actor, a hitman trying to be an actor, तो that got lost somewhere, क्योंकि the hitman part and the guilt of killing people took over completely. तो वो this was very dark. The last season was so dark and all of it was guilt कि भाई मैंने इतने लोगों को मारा है, उसको flashbacks आ रहे हैं, nightmares आ रहे हैं. That's not a fun comedy show. Which a lot of other shows have also taken this route, ki wo, they bring you in with comedy and then it becomes very serious. BoJack did that, but BoJack did that very well. और ऑल्सो BoJack थोड़ा वैसा सा करा था कि दिस मैन इज जेनरली ट्राइंग टू चेंज, आई थिंक ये भी कर रहा है, बट वो पिछले कॉन्सिक्वेंसेस उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं उसके उसके. एक तो वो भी है ना, BoJack इज एनिमेटेड है, हाँ तो वो थोड़ा फन भी हो जाता है.
यहाँ बंदा बैठ के रो रहा है जो डार्क डार्क सीन दिखा रहे हो वो नॉट रिलीज इट विल ओनली फक यू अप। बट वो बैरी का वो एपिसोड बहुत अच्छा होता है जब वो टाइकोंडो वाला निकलता है उससे लड़ता रहता है भाई, वो बहुत अच्छा एपिसोड है वो। स्पिनिंग हेड किक मारता है, सर तोड़ देता है, अलग ही हाँ मतलब हाँ उसकी बेटी आती है वेंचर मॉन्स्टर, हाँ बहुत ही फनी हुए थे। बैरी आई थिंक फर्स्ट तो वेरी वेरी फनी, या फर्स्ट टू सीजंस वर वेरी गुड, मैं लॉकडाउन में देखा था, बहुत अच्छा लगा था मेरे को। तूने बताया था बैरी, उसके बाद मैंने देखना शुरू किया था, आई रियली लाइक इट। मेरे को थर्ड सीजन तक भी मेरे मेरे वीआईटी के ड्रामा क्लब के दोस्त ने बताया था, रुशिल जुची शाउट आउट। और क्या बताया उसने अभी रिसेंटली कुछ बताया? रिसेंटली उसने बताया कि पहले जब मैं अपनी एक्स को लेके क्रिप करता था तब वो समझता नहीं था, फिर उसने सिमिलर टाइप की लड़की को डेट कराया तो अब वो मेरा दर्द समझता है। मैंने कहा अब आया ना दूध पहाड़ के नीचे। आई थिंक तुम दोनों सेम ही पहाड़ के नीचे आए तो क्या इसमें कुछ ब्रैक करने की बात अगर उसकी सिचुएशन अलग होती तो ठीक रहता। हाँ नहीं नहीं से कुछ सिमिलर टाइप के उसमें है, जैसे लार्जली कॉमिक्स की भी पर्सनालिटी सिमिलर सी ही होती है यार, तो कुछ हाँ, तो फिर क्यों डेटिंग वर्ल्ड में क्यों ना जनरलाइज करें कि कैसी टाइप की लड़की को डेट कर रहे हैं, हम एक थोड़ी सी डज नॉट गेट अलोंग विद डैडी टाइप की डेट लड़की को डेट कर रहे हैं, तो वो Yeah, भी that's a common देयर विल बी type. सम ओवरलैपिंग ट्रेड्स एटलीस्ट। Dating as see dating is such a vast word कि इतना ज़्यादा explore किया गया है, हर movie, हर sketch, हर comedy, बहुत सारी comedy उसपे करी गई है और तब भी नई नई चीजें आती रहती हैं, it's insane. तूने क्या ब्लैक मिरर game देखा change. है? ब्लैक मिरर ब्लैक मिरर में मतलब क्योंकि वो इतना लंबा और इतना ज्यादा वास्ट शो है या तो तुझे स्पेसिफाई करना पड़ेगा किस एपिसोड की बात कर रहा है। आई हैव सीन सम, आई डोंट थिंक आई हैव ओके सीन एवरीथिंग। नो आई हैव आल्सो नॉट सीन एवरीथिंग, बट उसमें रिसेंटली आई सॉ अ वेरी नाइस रोमांटिक एपिसोड व्हिच वाज कॉल्ड हैंग द डीजे। ओके इट इज अबाउट वर्ल्ड वेयर dating app decides who you will date for how long and based on how your dating experiences they will collect data. So tumhare ko aaj notification aayega you are going on a date, on the date both of you will see that this date will last for 36 hours and then it is up to you how to spend those 36 hours, but those 36 hours have to be spent together and you go on a series of dates. Koi ek saal ke liye kisi ke sath fasoge, kisi ke sath aise rahoge, ye sab mein wo app data collect karega tumhara और फिर इवेंचुअली तुमको एक परफेक्ट पार्टनर असाइन करेगा। बट अगर जैसे इसने बोला कि 36 घंटे की है डेट और मैं डिसाइड मैं तोड़ नहीं सकता ये, अगर तोड़ेगा तो फिर देन यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ द सिस्टम, यू आर थ्रोन आउटसाइड ऑफ द वॉल, नोबडी नोज व्हाट इज आउटसाइड ऑफ द वॉल, कि वो लोग वहां पे जानवरों की तरह रहते हैं कैसे रहते हैं। सो इफ यू आर डिसाइडिंग टू बी अ पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड देन दिस इज एंड डेटिंग, तो देन दिस इज द वे टू गो, इसके अलावा कोई और रास्ता ही नहीं है। तो मतलब उसमें एक वन ऑफ द स्मॉल प्लॉट लाइंस इज कि दे गो ऑन अ डेट और वो लड़की कुछ जोक मारता है, वो लड़की कहते हैं सो योर काइंड ऑफ द गाय हु क्रैक्स जोक्स यक, और फिर वो लोग अपना दोनों देखते हैं और वो एक साल होता है, उनको ऐसा होता है कि भाई एक साल रहना पड़ेगा साथ में, और दोनों एकदम एक दूसरे से नफरत करते हैं और वो कहता है कि व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ दिस, है आई हैव लर्नड हाउ टू लिव विद समबडी हु आई एब्सोल्युटली डिस्पाइज हु आल्सो हेट्स मी बैक, कहते हैं नो एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन, वी आर कलेक्टिंग डेटा। तो वो हैंग द डीजे देखना, आई थिंक इट्स अ वेरी मतलब बाकी सारे ब्लैक मिरर के एपिसोड्स बहुत ब्लीक होते हैं, बहुत ही ग्रिम वो होते हैं, बट आई थिंक दिस इज अ गुड रोमांटिक एपिसोड। सोशल क्रेडिट वाला मैंने देखा था व्हिच हैज हैपेंड इन चाइना ना, सोशल करेंसी वाला वो जिसमें वो नोज डाइव उसका नाम आई थिंक। हाँ मतलब नाम मुझे नहीं याद, बट यार तो वो तो बहुत ही जल्दी डार्क हो गया भाई, पहले 2 मिनट में ही डार्क हो गया। यू हियर द प्रेमिस एंड यू आर लाइक फन है, मजा आएगा, ये अच्छे अच्छे काम करेंगे, पॉइंट मिलेंगे भाई, फिर वो रेशियल वो होने लगता है, फिर पीपल डोंट लाइक यू, नेगेटिव नेगेटिव कर करके बहुत ही भयंकर है भाई वो, और वो वेरी एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाउ द पोलाइट सोसाइटी दैट वी हेट फंक्शंस, की सब सुपरफिशियल अच्छी अच्छी बात करेंगे और उनको जैसे ही तुम कुछ असली बात कर दो तो चिढ़ जाएंगे। एक एपिसोड देखियो तो ब्लैक मिरर, उसमें क्या है एक ब्लैक म्यूजियम है उस एपिसोड का नाम, ठीक है, तो उसमें ब्लैक मिरर के कुछ कुछ एपिसोड्स में कुछ कुछ जो टेक यूज करी हुई है वो उस म्यूजियम में कलेक्टेड है, और वो स्टैंड अलोन एपिसोड की तरह भी तेरे को मजा आएगा। तो अगर तेरे को बस ऐसे ब्लैक मिरर का ओवरऑल वाइब लेना है तो वो देख लियो, और उसमें वो है टचाला की बहन,
अच्छा जो अब ब्लैक पैंथर है, आई थिंक तक तो ब्लैक पैंथर आया नहीं था यार, ये नया सीजन है कि ये पुराने ही सीजन से पुराने सीजन ही है, पुराने सीजन में से ही निकाल के देख रहा था मैं। बट ब्लैक म्यूजियम एपिसोड देखियो, इट वाज अ सीजन फिनाले ऑफ सम सीजन, इट्स अ वेरी गुड वो एपिसोड आल्सो, मतलब गुड थ्रिलिंग एपिसोड। राइट, व्हेन ब्लैक मिरर केम द वन एपिसोड, आई थिंक द फर्स्ट एपिसोड बिकेम वेरी पॉपुलर, जिसमें वो प्रेसिडेंट को ब्लैकमेल करते हैं और पिक के साथ सेक्स करने पे मजबूर करते हैं और फिर उसका वीडियो डाल देते हैं। ये मैंने नहीं देखा, ये मैंने नहीं देखा। देखिए कि हाँ प्रेसिडेंट को ब्लैकमेल करते हैं, कहते हैं यू हैव टू फक अ पिग, ही फक्स अ पिग, उसका रिकॉर्ड करते हैं वीडियो और डाल देते हैं, अपलोड कर देते हैं ऑनलाइन, और भाई फिर वो सुसाइड कर लेता है, जो भी करता है। वेरी मैन, डार्क, इट स्टार्टेड विद इट, या ऑल ऑल प्रेमिसेस आर ग्रेट दो इसमें, और सिमुलेशन में है ये सब कुछ चीजें, एक बहुत कॉमन थीम है। सैन जुपेरो भी एक बहुत अच्छा एपिसोड है, बहुत रोमांटिक एपिसोड है वो भी। तो वही ब्लैक मिरर ने, तू कह रहा ना डेटिंग बहुत वास्ट है, उससे याद आया कि डेटिंग को भी पोर्ट्रे करने के बहुत तरीके होते हैं। इसलिए बहुत इसलिए मतलब आई कंप्लीटली डिसअग्री व्हेन समबडी सेज कि क्या डेटिंग हैक टॉपिक है, फकिंग देयर इज सो मच टू एक्सप्लोर इन दिस। और जैसे इन इंडिया ऑल्सो पीपल शिट अ लॉट ऑन रोमांटिक मूवीज, मैन देर इज सो मच टू एक्सप्लोर, दे शुड नेवर स्टॉप मेकिंग रोमांटिक मूवीज। नो, दे विल नेवर डू दैट, क्योंकि इट विल ऑलवेज सेल, पीपल वांट टू। यार तो ये सोचना कि इतने बॉलीवुड में क्या बन रहा है रोमांटिक मूवी के अलावा, हर बार कुछ ना कुछ नया दिख ही जाता है। तुम रोमांटिक जो जो डेटिंग वाले सेट्स हैं, जब एवरीबडी सेइंग कि है कि तब भी हर बार कोई नया जोक ले ही आता है। इट्स क्रेजी बिकॉज ऑल द डायनेमिक्स, चाहे 10 वेरिएबल है, 10 पैरामीटर है, लेकिन उसके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इतने हैं कि भाई इट्स वेरी वेरी वाह, अगर तुम एवरीबडी हैज अ ऑनेस्टली, डिफरेंट हाँ डेटिंग। ऑनेस्टली करोगे तो यू विल ब्रिंग समथिंग न्यू टू इट, बस यस, वही है। क्योंकि सबके अगर लोग इफ इफ यू आर डूइंग द सेम शिट, की जैसे लोग एचआर में करते हैं कि हमने जो सुना है उसके बेसिस पे कुछ वो करके कर देंगे एज अपोज टू अ लिव्ड एक्सपीरियंस, तो देन इट विल बी नॉट बी ऑनेस्ट। बट अगर ऑनेस्टली से करोगे तो भाई कुछ बढ़िया बढ़िया चीजें पता चलती है लोगों के उसमें। फॉर श्योर, एवरी कॉमिक हैज एटलीस्ट वन जोक और वन बिट अबाउट डेटिंग, एंड दे ऑल डिफरेंट, इट्स क्रेजी, ऑल डिफरेंट। तो ब्लैक मिरर के तो बहुत बढ़िया हुआ है। हाँ तो मैं बीच बीच में, जब मैं एक्चुअली खाना खाते टाइम का कुछ देख रहा हूँ ढूंढने के लिए कि क्या खाते रहूँ, और वो देखता रहूँ बीच में। मैं जैसे ब्रुकलिन 99 बहुत देख लिया करता था, बट फिर एक पॉइंट पे मेरे को उसमें फुल टेम्पलेट देखने लग गया, तो बिल्कुल मजा नहीं आता था देखने में। हाँ हम लोग तो अभी तो भी देखते हैं ब्रुकलिन 99, देखते हैं कभी कभी। बिग बैंग थ्योरी भी मैं बहुत देखा, पर वो मतलब वो कुछ ज्यादा, वो थोड़ा और डल है एज अ शो। ऑफिस देखा, खाना खाने में प्रॉब्लम ये है कि ये सारी चीजें अगर तुम देखना शुरू करो कुछ नया, यू डोंट नो कि व्हेन दे टर्न अगली और बोर, खाना मूड खराब हो जाए। द हार्ड टाइप का शो है, इट्स गोइंग नॉर्मली, और फिर अचानक मैं जो किसी के सरिया घुसा कुछ कर जो भी हो गया, तो अचानक इट बिकम वेज। खाना खाने के लिए यू वांट समथिंग प्रेडिक्टेबल, यू नो टेस्ट कर लो। ट्रू। डुकलिन 99 इज वेरी क्लीन इन दैट, तू खाना खाते टाइम देख सकता है। एक ही दो एपिसोड के सीन है जिसमें स्कली आता है, वहां पे कुछ गंदगी होती है, वरना इट्स क्लीन हो गया पर वो है ना। गंदगी तो मेरे को बहुत हंसी आती है स्कली की। अब एक बहुत ही फनी उसका जिसमें ऊपर से जेक कुछ तो फेंक रहा है, कैन वैन फेंकता है उसके सर पे, और क्या फाइनली वर्किंग, क्योंकि उसको खाना खाने का बहुत शौक है ना, क्या तो खाना गिर रहा है जब ऊपर आसमान से, इज वेरी हैप्पी, इट्स फाइनली वर्किंग। इसमें जो रेमंड होल्ट एक वो रखता है ना सेंस ऑफ प्रोफेशनलिज्म कि विल नेवर लूज हिज कंपोजर, वन ऑफ माय बॉसेस वाज लाइक दैट। तो मेरे को वो देख के मैं हमेशा उसका सोचता रहता हूँ, और उसको मैंने बहुत ही अननेसेसरी वो दिया है, क्योंकि वो मेरे से बहुत, बस उसका बेसिक ही रिक्वायरमेंट था कि मेरे से काम कराए, और मेरे को मन नहीं होता था काम करने का, क्योंकि मेरे को लगता था 5-6 बजे भागो यहाँ से माइक करने निकलो, और उसको ऐसा होता था कि भाई मैं अभी तो रुक रहा हूँ, मैं तुम्हारा बॉस हूँ, तुम मेरे से जल्दी कैसे भाग रहे हो। मैं कहा आप ओपन माइक थोड़ी करने होते हैं आपको, तो पर वो अपना काम तो कर ही रहा है हाँ भाई, वो वो अपना काम कर रहा है, तू हाँ नहीं तो कर उसकी सकता। वही वही उसकी एक्सपेक्टेशन बिल्कुल गलत नहीं थी कि भाई कि ये ऐसे ही है, सब लोग ही कंपनी में रुकते हैं तो तुम कौन जल्दी भाग रहे हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता था व्हाट इज दिस कल्चर यार, अगर काम खत्म तो खत्म, प्लीज मेरे को बॉदर मत करो, ये मत करो, बट ऐसा कर नहीं सकते हो तुम। करेक्ट, तू कितना एज क्या थी तेरी? अरे 2019 की बात है यार ये। हाँ जब मैं विच इज ऑल्सो 4 years अगो बाय द वे, बट नो, 2019 तब बहुत क्लोज लगता है ना, ऐसा लगता है कि अभी की तो बात है, मैंने रियलाइज नहीं होता कि 4 साल हो गए उसको भी। बट इफ यू आर लाइक 27, 28, देन आई थिंक
मतलब यू शुड बी नो नो मतलब आई वाज फुली अवेयर दैट व्हाट आई एम डूइंग इज रॉन्ग, बट वही मेरा फिर वो होता था कि प्रायोरिटी स्टैंड अप, तो इवेंचुअली आई हैव टू शिफ्ट हियर. तो मतलब आई हैड जॉइन द जॉब नोइंग दैट आई विल नॉट गेट एन अप्रेजल एंड आई वाज ओके विद इट, बट फिर उनको ऐसा लगता था फिर हम बेंच पे ऐसे एम्प्लॉय को ही क्यों रखें जिसको ग्रो ही नहीं करना है, ये ही नहीं करना है, ये प्रॉब्लम होता था. पर वो मतलब इट वाज अ लिटिल मोर कन्वेंशनल एज अ कंपनी, द जॉब वाज अ लिटिल मोर कन्वेंशनल, इट्स नॉट लाइक अ न्यू एज. जैसे मैंने सारी न्यू एज कंपनीज में काम किया है ना, आफ्टर क्विटिंग लाइक जो भी कंसल्टेंसी, आई वेंट टू स्कूप वूप, उसके बाद फिल्टर कॉप और बीइंग इंडियन फिल्टर कॉप, ये सारी न्यू एज कंपनीज. प्रोडक्शन हाउस है, इन सब में तो ये तो नहीं बोल सकते कि भाई ये जो काम है काम है. अगर तुमको कोई बोल रहा है कि सर थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाओ, तो तुमको एज अ मैनेजर भी होना ही पड़ेगा ना. तो उसमें तो मैनेजर ये नहीं कर सकता, वो प्रोफेशनलिज्म इज एक्सपेक्टेड इन अ कंपनी लाइक दैट. मैं मैनेजर था यहाँ पे फिल्टर कॉपी में, and I would hear a lot of like, अब ये तो बच्चे ही थे सारे, nobody was my age, all them okay, and they would say something and I'd be like, यार I'll have to let everything, मैं कहा बस तू काम कर दे किसी भी तरह, बाकी तुझे जहाँ जान तू नीचे जाके कैफे में बैठ के काम कर ले, तुझे घर पे जाके करना है कर ले, ये काम खत्म कर ले, उसके बाद तुझे यहाँ पे जो बिहेव करना है कर ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं. It's that kind of company, but बाकी जगह तो ये नहीं चलेगा ना वहाँ पे कल्चर. भाई ये वाला मेरा बॉस पता है फिर क्या करता था, मेरे को कहता था कि तुम तो there was a 4-5 month period in the company where they had not assigned me a department. I was assigned a department, but then they changed. उन्हें HOD को ही निकाल दिया बेंचो कंपनी से कि इतने साल से सोनी की OTT सोनी लिव एग्जिस्ट करता है, बताओ प्राइम प्राइम आगे निकल के तुम क्या कर रहे हो. बेंचो ने HOD को ही हटा दिया. तो सबके डिपार्टमेंट शफल हो गए, मैं कॉन्टेंट में था. तो फिर उन्होंने कहा कि अभी कॉन्टेंट टीम फिर से रिस्ट्रक्चर होगी होगी. तो मैं कहा तो मैं तक तब कहाँ पे जाऊंगा, तो कह रहे हैं वो अभी देखते हैं. तो उनने बहुत महीने में को असाइन ही नहीं करा डिपार्टमेंट. तो मैं चिल करता था, जाता था, शो वो देखता था, कुछ ऐसे ऑफिस में निकल जाता था वहां से. और हर वीक हाँ वीकली बेंच पे था. लेकिन सोनी जैसी कंपनी में ना बेंच का कॉन्सेप्ट नहीं एग्जिस्ट करता है. ये कंसल्टिंग और इन सब में होता है कि प्रोजेक्ट असाइन हुए, इसमें तो मेरे को डिपार्टमेंट नहीं असाइन हो रहा था. तो बाकी एक आध उनने उसको कहा था कि तक तब एनालिटिक्स कर लो, मेरे को उसमें घुसना नहीं था कि मैं PwC में वही छोड़ के आया था. मैं कहा नहीं एनालिटिक्स नहीं करूंगा, मेरे को मैं वेट कर लूंगा जब तक मेरा डिपार्टमेंट नहीं आता है. और HR से वीकली फॉलो करता था कि कहाँ है वो, कह रही तो HR में वो कहती थी आप ऐसा मत सोचिए कि आपकी गलती है. मैं कहा मैं कहीं पे भी ऐसा नहीं सोच रहा हूँ कि मेरी गलती है कि मेरे को डिपार्टमेंट नहीं असाइन हो रहा है, आप ही की गलती है. मैं आपसे फॉलो कर रहा हूँ कब होगा डिपार्टमेंट असाइन मेरे को. तो उस टाइम पे फिर मेरे को बिठा के इन सब कंपनीज में फालतू के काम बहुत होते हैं कि एक पिच मीटिंग बनाते हैं, एक पिच का डेक बनाते हैं, किसका वो बनाते हैं, जो शोज हम सोच रहे हैं नेक्स्ट ईयर की, सोनी की स्ट्रेटजी क्या होगी. सोनी लिव 3.0 की PPT बनवाई थी मेरे से कि 2025 में सोनी का गेम प्लान क्या रहेगा. 2019 में मैंने कहा था मैं अभी 3 महीने हुए भाई मेरे को ज्वाइन करे, मेरे को अभी क्या कर रही है सोनी 1.0 वो नहीं पता है, 3.0 की क्या PPT. बट ऐसे फालतू काम बहुत कराते रहते थे. तो वो फालतू काम ऐसे होते हैं जो दिख गया कैबिन के बाहर उससे करा देंगे. तो मैं कैबिन से दूर बैठा रहता था, कहीं अपना कुछ और काम करता रहता था. तो फिर ये इस मैनेजर ने शुरू करा कि तुम मेरे कैबिन के अंदर बैठ के काम करोगे, तुम्हें जो लैपटॉप पे शो भी बैठना है देखना है वो तुम मेरे सामने बैठ के करोगे. मैं जाता था और फिर जैसे ही बाहर निकलता मैं भाग जाता था वहां से, क्योंकि ये ऑफिशियली तो करा नहीं सकते. तो वो इन सब चीजों में चिढ़ता था और मैं भी इन सब चीजों में चिढ़ता था भाई कि ये क्या है भैंजो, आंख के सामने बिठा के काम कराओगे, क्या कर रहे हो मेरे सामने करो, मस्ती करनी करो मेरे सामने करो, ये क्या है भाई ये सब. नहीं ये बहुत ही चुतिया, मैं मतलब इस तरह का तो मैं बिल्कुल ही नहीं कर सकता कि कोई बोल के सामने बैठ के काम, मेरे से होते ही नहीं काम, ऑफिस से फील जाता था. तो वही उसमें कहता था आप मेरे को डिपार्टमेंट असाइन कर दो, फिर उसका जितना भी गंदा वर्क कल्चर होगा मैं कर लूंगा, लेकिन ये नहीं होगा कि बैठे रहो कुछ और काम आएगा तो तुम्हें दे देंगे. छोटू थोड़ी रखा है भाई कि बस हमें घर के काम करवाते रहेंगे. ये सब चीजों से हम कैफे में बैठ के भी काम नहीं होता, लोग कहते हैं जाके स्टारबक्स में एक कॉफी ये कर लो. मैं तो बेंच एक तो मैं पीता सब चीज बहुत जल्दी हूँ, फटाफट से कॉफी खत्म करके फिर बैठा रहता हूँ क्या करूँ अभी मैं क्या काम करूँ. और फिर वैसे होता है कि कुछ कुछ तो पड़ा होना चाहिए ना साथ में कि तुम कैफे में अपना एग्जिस्टेंस जस्टिफाई कर सको. उसके चक्कर में मैं 3,000 का बिल आ गया, 3,000 का बिल आ गया और तुम इतने एंग्जाइटी आ गई तुम्हें क्योंकि तुमने इतनी सारी कॉफी पी ली, बस पागलों की तरह जिटर कर करके काम करे जा रहे हो. कैफीन भी बहुत भर गई बॉडी. ये बहुत सारे कॉमिक्स होते थे, मतलब मैं तो एक बार मैं ट्राई किया करीमा के ही कहने पे, और वो भी क्योंकि मैं यूज़ कर रहा हूँ मिच हेडबर्ग, मिच हेडबर्ग जाके कैफेज में लिखता था
देखे भाई मेरे लिखता है, हम भी इंजीनियर, हमें भी बनना है, हम भी लिखेंगे जाके। तो एक रत्ती भर का काम नहीं भाई, मैं बस बैठ के हेडफोन लगा के दूसरों की बातें ईवड्रॉप कर रहा हूँ। अरे एक एक दो तो दिन करने के बाद तुम्हें लगेगा मैं क्या है क्या है, ये सारी चीजें तो यूट्यूब पे वीडियो देख के भी कर सकते हैं, वेरी सिंपल। तो भाई तुम जब सुबह उठते हो तो तुम पहले एक घंटे में कॉल ले लेते हो कि आज प्रोडक्टिव दिन निकलने वाला है या आज मैं ऐसी बकचोदी करने वाला हूँ। अब फिर चाहे तुम कैफे जाओ, अपनी नानी के घर जाओ, अलग से कोवर्किंग स्पेस जाओ, वो दिन पे ही है जो तुमने डिसाइड करा है। प्रोडक्टिव शुरू करा है तो तुम वर्कआउट भी कर लोगे, लिख भी लोगे, सब कर लोगे। अगर तुमने सोचा आज बस मैं फोन पे यूट्यूब ग्रजिंगली देखूंगा थोड़ा थोड़ा कि क्या है ये क्या है, तो पता कुछ दिन तुम वही करने वाले हो कुछ। नहीं हाँ, और वो भी कोई खराब नहीं है। कई बार तुम बहुत दिन तक कुछ ढंग से काम नहीं करो और फिर गिल्ट आता है कि भाई क्या करूं अपनी लाइफ से, तो बहुत बढ़िया राइटिंग आती है। ना, पर आई डोंट वो थिंक तो और कुछ कभी बारिश जैसी कभी आता है, खूब सारा कभी बिल्कुल नहीं आता, आई डोंट हाँ माइंड दैट। बट रेगुलर तो पता क्या करना चाहिए, लिख लो अपना जो भी सेट है या जो भी तुम्हारे वो टॉपिक्स हैं, लिख लो, देखते रहो, कभी ना कभी थॉट आ जाएगा, बट हाँ एटलीस्ट लुक एट इट। मेरा मेरा आलस क्या है जो मैं देख भी नहीं रहा हूँ, मैं कुछ ही नहीं कर रहा। आई एम वेटिंग फॉर लाइक ऑल दैट इंस्पिरेशन टू ड्रॉप ऑन मी लाइक मैजिक, वो नहीं होना चाहिए जो। तो एटलीस्ट प्रोफेशनल है, कुछ काम तो करें। वो मुझे थोड़ा अपना अपने से गुस्सा आता है कि मैं एफर्ट भी नहीं मार रहा करने, थॉट विच इज नहीं वेर आएगा। व्हाइट बोर्ड्स कम इन, तुम सेट के वो कुछ कुछ लिख के एम्प्टी रखे रहो। है, यही तो बात है हमारा भाई इशू। मैंने तो मिटाया है क्योंकि मेरे को दिखाना नहीं था क्या क्रिंज लिखा हुआ है। लेकिन 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 व्हाइट लिख बोर्ड्स, व्हाइट बोर्ड जिसके लिए काम आते हैं कि तुमने कम से कम 4 सेट जिसपे काम कर रहे हो, और यूजली ऐसे होता है ना कि ये सेट में कुछ कुछ पोर्शन है जिसमें मैं बस अटका हुआ हूँ, पता नहीं क्या है ये आइडिया, मेरे को फेथ है कि देयर इज समथिंग इन दिस आइडिया, बस जोक निकल ही नहीं रहा ढंग से। तो वो सब वो चीजें लिख लिख, के रखे रहता हूँ मैं कि फिर कुछ अगर कभी आएगा तो आएगा, अचानक से ही आता है साला एकदम। हाँ तो वही है, वो अचानक से आएगा, बट तुम्हारे जहन में होना चाहिए, इसलिए लिख के रख लो कि तुमको दिखता रहे। तो दैट इज समथिंग दैट, तो मैं व्हाइट बोर्ड पे बेसिकली अपने वही टॉपिक्स लिख देता हूँ, और उसके बाद जब वो दिख जाते, पर वो अभी लिखे नहीं है, विच इज नॉट कूल, अभी मैं लिख दूंगा। बट यही है, ये दो तीन मेरे आलस जो है वो वही मुझे इरिटेट करते रहते हैं, जो कि मेहनत क्यों नहीं हुई। एनीवे, दिस इज अ लाइफ लॉन्ग रैंट दैट आई हैव ऑन माय सेल्फ, लाइफ लॉन्ग हेटरेट, कि ये क्यों नहीं कर रहा मैं, मेहनत क्यों नहीं कर रहा। ना बट ठीक है, आई थिंक बाकी ये मैं तो ये सब क्रिएटिव फील्ड में है ये, मतलब हाँ सिर्फ हमारे में नहीं है। हमारे में बस, मेरे को बस एक चीज समझ में आती है कि हमारे में ना लिखने लिख नहीं रहा हूँ उससे वो बचपन वाला इमोशन ट्रिगर हो जाता है कि मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, कि अगर मैं हाँ, पढ़ूँ काम तो मैं टॉप कर सकता हूँ बट मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ, तो वो कुछ वो चाइल्डहुड चीज ट्रिगर कर जाता है ये साला। दैट इज नेवर ट्रू बाय द वे फॉर अ लॉट ऑफ पीपल हु से दिस, कि अगर मैंने कर लिया होता, मैं इतनी थोड़ी सी मेहनत करी तो 60 आ गए, अगर बहुत कर लेता फुल पोटेंशियल तो मेरा 100 नहीं है, तेरा 100 होता तो तू कर लेता। द पोटेंशियल रैंड दैट आई हैव हर्ड सो मेनी पीपल से, इट नेवर इज ट्रू। या मतलब योर मार्क्स इज इंडिकेशन ऑफ बोथ योर टैलेंट एंड योर कमिटमेंट टुवर्ड्स दैट गोल। हार्ड वर्क तू करना ही नहीं चाहता तो तेरे कैसे आएंगे 100, हाँ तू है ही नहीं हाँ मेहनती इंसान। हाँ मैच हंड्रेड वाले अगर लड़के अलग होते, 100 वाले लड़के अलग होते हैं, अगर मेरे मन में कोई एक चिप डाल देना जो मेरे को करंट मारे जब जब मैं टाइम वेस्ट करूं, तो तू देख क्या मैं माचो दूंगा दुनिया की फिर तो। बस वो चिप जिस दिन आ जाएगी उस दिन हंड्रेड वाला हाँ 100 हो जाएगा। क्योंकि वो भी खरीद लेगा मुझे। अरे यार अलग ही है वो, मेहनत मेहनत करने के लिए कोई तुझे नहीं बोलेगा, तभी तो असली मेहनत दिखती। आई थिंक पीपल टेलिंग यू, एंड दिस इज व्हाई वी वर टॉकिंग अबाउट ना लास्ट टाइम, कि जेल में दे आर टेलिंग यू कि आप इतने बजे से इतने बजे ये करो ये करो, वी आर इन द हैबिट ऑफ लिसनिंग टू इंस्ट्रक्शंस, बट एज अ कॉमिक यू कांट बी इन दैट हैबिट, यू हैव टू सेल्फ डिसिप्लिन। और वही वही पूरा गेम कि व्हेन विल यू फोर्स योरसेल्फ टू वर्क। हाँ, कॉमिक्स का कोई सुपर 30 नहीं होता है कि तुम कोई नहीं पटना कोई चले नहीं, जाओ, वो 30 दिन में 30 बढ़िया मिनट लिखवा देंगे। कोई कोई अगर तुझे बोलेगा, कोई तुझे नहीं बोलेगा मेहनत करने के लिए, क्योंकि वो खुद ही करना चाहते हैं। अगर कोई तेरा मेंटर होगा तो बोलेगा मैं खुद ही ना कर लूंगी मेहनत, तुझे क्यों तो फिर चाहिए। वैसे करेंगे, काम करिए आप 30,000 लेके मेरे लिए लिख दिया करिए कि इंडिया में कैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच दबाई जा रही है, इस पे मेरे को एक सेट चाहिए। वाओ वाओ यूनिक ऐसे टॉपिक। बहुत है ये वाले, लिखवाने वाले भी और लिखने वाले भी बहुत है भाई। लिखवाने वाले और लिखने वाले दोनों बहुत हैं भाई। कुछ तो तुम शो देखते हो, मतलब यू एक्सपेक्ट, जैसे स्टैंड अप कॉमिक्स हैं आप, तो वो तो अपना ही थॉट बताएंगे, अपने ही आइडियाज बताएंगे, अपनी लाइफ के बारे में बताएंगे, देन यू सी कि रिटन बाय दिस पर्सन और पंच बाय दिस पर्सन, और वो अलग से दिख जाता है तुझे, वो पता चल जाता है कि कौन सा ये लाइन किसने लिखी है। इट्स सो इट्स वेरी बैड टू
Yeah. Also, when you're watching the special itself, you know that fucking these lines feel off. Yeah, they are off from the personality, na? वो बंदा है। किसी और ने तेरे लिए लिख के दिए ये सोच के कि तेरी personality ऐसी है, उन्हें क्या पता? हाँ, ये पंजाबी कॉमिक ये नाला सुपारा वड़ा पाव कहाँ से अचानक से टैग की तरह यूज कर रहा है, कौन है राइटर? ओ कूल 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 कूल। मुंबई में ही है सारे यार की ये references वाले, मतलब ये तो this is a disease, मैं और कहीं नहीं देखा। This is a disease, but it is also to work a room. It is necessary, so it has doesn't have to be captured on camera. Your idea. So your video can be devoid of all of those things unless you are making a video about that city. जैसे जो सौरभ घोष ने कोलकाता के साथ करा था, I thought that was brilliant. Also that cleared a lot of things in my head, क्योंकि मैं सुबह सोचता था ये city specific क्या बेंच हैक है, लेकिन उसने बोला कि मैं कोलकाता के बारे में एक ऐसा स्टैंडअप बनाना चाहता हूँ जो सिर्फ कोई कोलकाता में रहा हो वो ही बना पाए, उसके अलावा और कोई बनाने की कैपेबिलिटी ना रखे, तो फिर मुझे लगा समझ भी पाएगा, ये भी तो प्रॉब्लम है। हाँ, वो ही समझ भी पाए, बट इट इज ओके अगर सिर्फ वही समझ भी पाए, मतलब इट इज आल्सो अ डॉक्यूमेंटेशन ऑफ कल्चर कि तुम कैसी जिंदगी जी रहे हो, क्या कर रहे हो, तो उसमें अगर कुछ लोकल रेफरेंसेज हैं, क्योंकि हमने जब स्टार्ट करा था ऐसा लगता था फिर ये लेके मैं गुड़गांव ड्राइविंग के बारे में मेलबर्न में कैसे बात करूंगा, नहीं करेंगे बात, कोई दिक्कत नहीं, बट कम से कम जो ऑडियंस गुड़गांव में तुमसे चिड़ी बैठी है जो थोड़ा भी नहीं एंजॉय कर रही है उनको अंदर खरीदने के कि वो दे बाय इनटू द शो, तो कर लो ना स्पेसिफिक कुछ, क्या हो गया, इस कमरे को खुश कर दो फिर जाना मेलबर्न। हाँ भाई, पहले इस कमरे को करना फिर मेलबर्न बोर होके बैठा हूँ। वर्किंग द रूम इज अ डिफरेंट स्किल, वो भी आनी ही चाहिए, लेकिन समटाइम्स इट ट्रांसेंड, यू आर वर्किंग द रूम, इट्स किलिंग इन द रूम, but it won't look good on a video, so it won't yeah, which is most kya kehte hain, anytime you're warming up a crowd to everybody shits on crowd work, but crowd work is necessary to get the audience invested. तो पर हाँ, लेकिन वो इट इज ऑल्सो लाइक इम्प्रोव की इट्स ग्रेट वेन यू आर इन द रूम, बट वैसे डजंट रियली ट्रांसलेट वेल ऑन कैमरा, तो आई थिंक वही क्राउड वर्क में भी तो आई थिंक सिमिलर सा बैरियर है. Some crowd work does translate very well, some doesn't. But that is true for stand-up also. Some fucking stand-up translates very well. मैं कुछ कुछ तेरे को ऐसे बोले कि भाई ये वाला अगर तू लाइव देखता तो कुछ अलग फील होता, लेकिन वीडियो पे कुछ अलग आया है. तो जी हाँ, ये तो बिल्कुल सच है, क्योंकि मैंने अभी परसों ही देखा. यार मतलब कोई अगर तुम मूवी देख रहे हो और तुम्हें मतलब मूवी में कुछ कुछ ऐसे प्लॉट्स होते हैं या कुछ कुछ ऐसे सिचुएशन होते हैं, तुमको लगता है यार ये तो स्टैंड अप ही है. सम ऑफ द सिचुएशंस आर सो फनी एंड इट, मतलब शायद मूवी में वो इतना ट्रांसलेट ना हो, बट इट इज सो फनी दैट इट बिलोंग्स इन स्टैंड अप. कई कई तो ऐसे सीन्स हैं जो बिल्कुल ही मुझे रटे ही हुए नहीं. और जैसे तुम जब कई बार कुछ पिक्चर को क्रिटिसाइज करते हो कि क्या कन्वीनियंट सा प्लॉट पॉइंट है कि वाह वाह उसने कान दरवाजे पे लगा के पूरा उनका प्लान पहले ही सुन लिया था, बट फिर जब तुम खुद लिखने कुछ बैठो तब लगता है कि उतना खराब नहीं लिखा था यार इस पिक्चर में. हाँ, बढ़िया ही लिखा हुआ था उन लोगों ने. मैंने अपने कॉलेज में उसके साथ फर्क है क्या उसमें, उसमें फर्क है क्योंकि मूवी में तुम दिखा सकते हो उसमें सिचुएशन वगैरह, उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, उसमें टूल्स बहुत हैं तुम्हारे पास. हाँ, पोर्ट्रे करने का यार दैट्स राइट, उसमें कॉन्वोल्यूटेड करना इज फाइन, बट स्टैंड अप में या फिर इफ यू आर ऑन स्टेज विद अ माइक तो कॉन्वोल्यूटेड तुम जितना करोगे जनता को समझ ही नहीं आना, तो यू कांट, देन यू हैव टू गो विद सिंपल. आई फील, आई एम नॉट श्योर. या मैंने अपने फ्रेंड के साथ पिक्चर लिखने की कोशिश करी थी माइका में सेकंड ईयर में, हमने फर्स्ट ईयर में एक ब्रॉडली आइडिया डिसाइड कर लिया था. It was also around social currency only, कि social currency in a academic institution, कि कुछ बच्चों से gamify करने की कोशिश करते हैं या फिर कुछ मतलब underdog story, loser tries to become a stud in college, but just learning everything that they're teaching in MBA and then trying to use it to increase the social currency was the pitch of the film. But भैनचोद कैसे एंड होएगी उसके आसपास भी नहीं पहुंच पाए थे, सिर्फ कैरेक्टर्स वैरेक्टर्स फ्लैश आउट कर रहे, थोड़ा सा लिखा लेकिन उसके आगे बहुत, और ये वैसे छोड़ा था बिल्कुल फ्रस्ट्रेट होके कि क्या होएगा आगे, कुछ नहीं होएगा आगे. और फिर एक पॉइंट तक हम लोगों ने इतना डिले कर दिया था, हमने सोचा था कि हम लिख लेंगे और फिर सेकंड ईयर में इस पॉइंट तक अगर लिखा होएगा तो शूट करना शुरू कर देंगे, ताकि एंड में, क्योंकि कॉलेज का एक ये टेम्पटेशन था कि यहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज फ्री में मिल जाएंगे, एक ऑडियो मिक्सिंग का रूम फ्री में मिल जाएगा, बहुत सारे एक्टर्स ऐसे फ्री में मिल जाएंगे, कैमरा मिल जाएंगे फ्री में, लोग म्यूजिशियंस हैं फ्री में बना देंगे, लेकिन वो डेडलाइन इतने क्रॉस कर गई कि एक पॉइंट पे हमने रियलाइज करा कि अगर हम रोज कॉलेज से ड्रॉप आउट करके भी शूट कर दें
तो भी नहीं हो पाएगा, अभी तक स्क्रिप्ट ही नहीं बना पाए हम लोग ढंग से, बहुत मुश्किल था लिखना वेंचर पिक्चर। अरे मूवी लिखना मूवी बनाना ये दोनों अलग अलग टीम्स करती हैं, और तुम दो लोग मिलके दोनों चीजें करना, इट्स वेरी टफ। लोग फीचर फिल्म तो सोचते भी नहीं यार, लोग तो शॉर्ट फिल्म बनाते हैं एज थीसिस और एज देयर फाइनल प्रोजेक्ट। तू सोच ऑफ फिल्म मेकिंग स्कूल, इट इज दैट टफ। मेरी दीदी जिस कॉलेज में पढ़ाती है रोहतक में, तो वहां पे एक फिल्म मेकिंग वाला सेट वो है, तो आर्किटेक्चर का है और एक उनका डिपार्टमेंट फिल्म मेकिंग का, फाइन आर्ट्स का जो भी। उसमें भाई वो कहते हैं कि बहुत रिसोर्सेज हैं, बहुत सारे कॉलेजेस के लोग वहाँ पे प्रोफेसर आते हैं, देखते हैं कि इनके पास ऑडियो वाली मिक्सिंग वाली जो कैपेबिलिटीज हैं बहुत हाई हैं, कैमरे इनके बहुत अच्छे हैं, बहुत सारी यहाँ पे शूट्स होती हैं। लेकिन और वो कहती है कि तुम यूज कर सकते हो यहाँ पे, अगर तुमको कुछ शूट करना हो, मैं से बोल रही थी, तो दे कैन हेल्प यू। और मैंने कहा ठीक है अच्छा, मैं स्केच आइडिया सोचता हूँ और फिर वहाँ पे कर दूंगा। भाई व्हेन यू थिंक अबाउट द लॉजिस्टिक्स एंड यू थिंक अबाउट तुम वहाँ पे ट्रैवल करोगे, तुम्हारे पास आइडिया कुछ है ही नहीं यार, पॉइंट ही नहीं है। हमारे आइडिया ऐसे आते हैं कि अभी आया 15 मिनट में फोन से शूट हो जाए तो हो जाए, वरना ये भी चला जाए। और वो भी इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे को उसका ऐसे बस जॉन इब्राहिम डूइंग एवरीथिंग और इब्राहिम एवरीथिंग ऑल एट वंस, ऐसे कुछ कुछ बकवास मैंने सोचा था, तो वो शूट करने की कोशिश कर रहा हूँ। इट इज सो क्रिंज टू जस्ट स्टैंड अलोन इन फ्रंट ऑफ अ कैमरा एंड डू दिस, और वो फिर वो बस वो शूट ही नहीं हो पा रहा है, तो आधा से शूट होकर पड़ा हुआ है, बाकी आधा है कि हाँ मैं ढूंढ लूंगा जब बाइक मिलेगी कॉलोनी में कोई, तब जाके शूट करूंगा, ये करूंगा, ऐसे कर करके डिलेड हो रखा है। तो तू सोच अगर ये जो एटीट्यूड हम स्टैंड अप में लेके जाते हैं उसमें, तो तब भी होता है कि माइक जाना ही है, तो कुछ कुछ करके मटेरियल बन ही जाता है बेंच और देना है भाई, जीरो एफर्ट है, तो भी उसमें इतना प्रोकेस्टिनेशन है। तो फिल्म मेकिंग में तो व्हेन सो मेनी डिपार्टमेंट्स हैव टू कम टुगेदर और फिर उसमें करे, मेरे सोनी में कुछ कुछ कलीग्स थे जो एक एफटीआई से थी, तो बोल रही थी बहुत जो स्क्रिप्ट राइटिंग वगैरह वाले कोर्सेज होते हैं वो तो जल्दी खत्म हो जाते हैं टाइम पे जितना होता है, बट जो एक्टिंग है डायरेक्शन वाला बहुत लंबे टाइम चलता है उन लोगों का कोर्स, मतलब वो खत्म ही नहीं कर पाते हैं, या फिल्म किसी को सबमिट करनी है तो सबमिशन ही तो ऐसे दो दो तीन तीन साल से पढ़े ही हुए हैं कॉलेज में, पास आउट ही नहीं हुए कभी, ग्रेजुएट नहीं हुए, पास आउट तो नहीं बोलते हैं भाई। तू सोच कि बहुत सारे ऐसा होता है ना कि तुमने स्टैंड अप कर लिया, तुम पॉपुलर हो गए, तो कोई एड का आने लगा तुमको या फिर किसी इसमें शो में, भाई आती थोड़ी एक्टिंग के, क्या चूतिया चीजें, हाउ आर यू इवन ऑफरिंग टू वेस्ट योर टाइम एंड माइन एंड ऑल द अदर एक्टर्स की, मैं वहां पे जाके अपनी बेइज्जती कराऊंगा 6 घंटे के शिफ्ट में, सारे लोग देखेंगे और बोलेंगे किसको ले आए। इट इज सो शेमफुल दैट यू इवन एक्ट लाइक आई कैन डू दैट पार्ट। It is very difficult. अगर कोई हमारे उसमें ऐसे इजी हो जाते हैं कि अगर कोई एक जना आके वहां पे खड़े होकर बस इतना बता दे क्या ये फनी है या नहीं है जो हम एक्टिंग कर रहे हैं, तो हम तब भी वो कर देंगे भाई कि हाँ ठीक है, भले ट्रू टू कैरेक्टर नहीं हो रही हो, हमारे साथ फनी हो रही है तो कोई बात नहीं है, ये चल जाएगा इससे काम, लेकिन एक्चुअली में उस कैरेक्टर जैसा लग रहा है, क्या मैं नथुराम गोडसे लग रहा हूँ, ये कैसे कर लेंगे भाई, कोई है कहाँ से कर लूंगा ये मैं। तू सोच उसने वो, मैं वो देख रहा था कपिल शर्मा वाला जिसमें बस्सी और रणबीर कपूर है ना, हाँ। और वो बस्सी बता रहे कि वो एक्टिंग कैसे कर रहे हैं कि लंबे लंबे सेंटेंसेस हैं और बोलना तो आ नहीं रहा है ऑब्वियसली, तो मैं कह रहा हूँ कि सर थोड़ा बदल देते हैं क्योंकि उसको याद नहीं हो रही है लाइन। और एक पॉइंट पे वो कहता है कि यहाँ मार्क पे आके एक्टिंग करो, और मार्क इतना जमीन पे छोटा होता है, वो नीचे देख देख के चल रहा है, नीचे क्यों देख रहे हो यार, फिर मार्क नहीं दिखेगा, कहते हैं कि स्टेप्स गिन लो, कहते हैं स्टेप्स गिनूंगा तो डायलॉग भूल जाऊंगा, बट दीज आर जेन्युइन प्रॉब्लम्स, वहां पर फनी साइड बोल रहा है कर चुका है, बट आई वुड बी सो फ्रस्ट्रेटेड क्योंकि मैं एक वीडियो जो शूट करना था कहीं पे मैं वो नहीं कर पा रहा था, विच इज वेरी स्मॉल पार्ट, मुझे बस अपनी लाइन जो मुझे पता है वही बोलनी फॉर वन ऑफ द शोज दैट, बट मैं उसमें इतना फ्रस्ट्रेट हो रहा था। थिंक अबाउट यू डूइंग अ बिग बजट मूवी वेयर अ लॉट ऑफ मनी इज एट स्टेक, अ लॉट ऑफ एक्टर्स आर सिटिंग देयर वेटिंग फॉर देयर टर्न बिकॉज यू आर वेस्टिंग टाइम ऑन द फ्लोर, वुड इट इट इज अ लॉट ऑफ प्रेशर। Also, whatever stand-up is recorded, we don't play to the camera at all. We play to the audience and then Vivian or Aditi adjusts the angle कि वो eyeline या कुछ match हो जाए। हम लोगों को थोड़ी ना वो करना होता है। बट अगर कोई कैमरा में प्ले करके, मैं एक बार जब पहली बार वीडियो रिकॉर्ड करने गया था तो मेरे को किसी ने दिमाग में डाला था कि ऑडियंस को मत देखना, कैमरे से थोड़ा सा ऑडियंस और कैमरा के बीच में देखना तो वो फिल्म पे अच्छे से कैप्चर होता है,
ऐसा माइंड फक हुआ मैं, ऐसा बॉम्ब बहन छोड़, क्योंकि मेरे को समझ ही नहीं आता कि हंस नहीं रहे लेकिन क्या हो रहा है क्या हो रहा है, लेकिन कैमरा में अच्छा दिखना चाहिए करके, बहुत ही पागल जैसा, बहुत ही चूतिया काटा था मेरा वो। शाउट आउट टू दैट फ्रॉम गुजरात हु फकिंग रुइंड माय रिकॉर्डिंग एक्सपीरियंस। या या आई होप इट्स द गाय आई नो। यस यस। अरे भाई मतलब कैमरा वाला तो मेरा हैज नेवर वर्क, कॉमिकस्तान एनीवेयर आई हैव, और वो गुड नाइट इंडिया जो भी है, जब भी कैमरा होते हैं और वो कोई डायरेक्टर बोलता है कि अब शूट, मेरा खुद ही जाता है, मेरा सेट आज तक अच्छा नहीं हुआ, तो आई जस्ट स्टे अवे फ्रॉम दैट, आई डू माय नेचुरल हैबिटेट जो मुझे वैन खड़े होके बोलना है बिना किसी चीज को देखे, बिना कोई टेंशन लिए मैं वही। हां भाई ऐसा लगता है कि यार मोमेंट में जियो ना यार, ये क्या डॉक्यूमेंट क्या कर रहे हो यार अभी, मैं तो आज अभी तो मजा आ रहा है, प्लान करके नहीं करी है, वो ये किसी और की हो रही है, मैं जो मैं भी आके सेट कर लेता हूँ वो भी, तो आई हैव नेवर थॉट अबाउट रिकॉर्डिंग एंड दैट्स द बेस्ट, आई कैन नॉट प्लान। I over the last 1.5 years I have been consciously trying to get comfortable with it, और वो ऐसी हो रहा है कि बस बस रूम पे ही फोकस करो कि क्या क्या चल रहा है, कैमरा वैमरा रिकॉर्डर है, बिठा रहे नहीं आ रहे जाने, तो बस रूम पे ये रूम उठाना है किसी भी तरीके से, उसी से ही थोड़ा सा मतलब एंग्जायटी कम हुई है, गई नहीं है भाई अभी भी पूरी, वो जाएगी तो कभी नहीं, मतलब एंग्जायटी स्लैश नर्वसनेस स्टेज की वो तो कभी नहीं जाएगी, लेकिन बेस्ट वही होता है। नहीं नहीं मतलब स्टेज की नर्वसनेस तो है, बट देयर इज एन एक्स्ट्रा नर्वसनेस व्हेन इट इज बीइंग रिकॉर्डेड। तो वो मुझे नहीं होता क्योंकि मैं सोचता नहीं कभी रिकॉर्ड। या वो थोड़ी 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 कम हो रही है, बट अभी तक पूरी तरह से गई नहीं है, वही है कह रहा हूं। तो गेम्स खेलता है कोई? माइंड गेम्स खेलता हूं मैं लेडीज के साथ। जो तेरे घर पे आके खेला है वही खेला है, वो भी जो VR वाला बॉक्सिंग कराया था तूने, तूने वो भी तो UFC वाला गेम भी तो खेला होगा, वो UFC वाला गेम भी खेला था तेरे घर पे आके, बट तुझे कभी इंटरेस्ट नहीं था वीडियो गेम में या क्या सीन? तो देख तो दो तीन चीजें एक साथ हैं जो रोकती हैं वीडियो गेम खेलने से। एक तो मैं ऑलरेडी फोन वगैरह में इतना टाइम बर्बाद करता हूँ कि मुझे लगता है मेरे को और स्क्रीन वो नहीं चाहिए टाइम, दैट इज वन। सेकंड आई हैव अ वेरी अडिक्टिव वो कि इफ आई डू समथिंग आई विल फकिंग कीप डूइंग इट, एंड मैं कई बार बहुत कचरा कचरा फोन पे गेम्स पे बहुत घंटों बिताए हुए हैं। कुछ एक हाँ फ्लैपी बर्ड था, एक स्टिक फिगर था, वो बस ऐसे चले जा रहा है, कूद रहा है, कुछ कर रहा है उसमें भैंसो, मेरे को फुल एक सेमेस्टर याद है कि मैं बस वो बहुत रोज शाम को आता था, 1-2 घंटा खेलता रहता था। तो इतने गंदे ग्राफिक्स वाले गेम्स में मैं इतना टाइम बिता देता हूँ कि अगर कोई ग्राफिक्स अच्छा कर दे और मेरे को उस प्रॉपर वर्ल्ड में ले जाए तो मैं पागल ही हो जाऊंगा। तो आई जस्ट कॉन्शियसली स्टे अवे फ्रॉम इट। करुणेश भी यही कह रहा था, मैं उसको वो खिला रहा पोकर VR वाला, तो कहता भाई ये तो बहुत ही सही है, हटा ले इसको और मेरा जीवन बर्बाद हो जाए। हाँ मैं बहुत है क्या खेल रहा है, ऐसे पोकर खेल रहा है, उसमें तुम टेबल पे बैठ सकते हो एंड देन यू कैन टॉक टू पीपल, यू कैन डू जेस्चर, तुम चिप्स उठा कर उसे रखते हो, कार्ड्स ऐसे फेंकते हो, उसे बहुत मजा आ रहा था, कहता ये मेरे से हटा ले अभी वरना क्यों, ही लव्स टू प्ले पोकर, मतलब मैं भी खेलता हूँ, ही इज मच बेटर एट इट, और वो भी वही सेम एडिक्टिव पर्सनैलिटी हर किसी की, कि बस जो मिले घुस जाओ उसके अंदर। और ये सब चीज में मैं तो खाने वाने में भी है भाई, मैं इतनी बार अगर शुगर ना छोड़ता होता ना तो मैं बहुत मोटा होता। ये जो मैं नाटक करता रहता हूँ कि अब मैंने शुगर छोड़ दी फिर वापस शुरू कर दी ये कर दी, अभी 1-2 दिन पहले मैं किसी चीज में बस ऐसी मूड ऑफ हो गया मेरा कि मैं एक जगह जाया जा रहा था, फुटेज मिली नहीं रही थी, कुछ हो गया, तो मैं बहन चो एक आइसक्रीम केक खरीद के ले आया पूरा, और मैंने आधा खा लिया वो रात को, और सुबह उठ के बचा वो आधा खा लिया। यार सोच कैसी बात है ये, बात कर रहे थे ना कि आइसक्रीम केक बेस्ट होता है। हाँ, 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 बहुत बढ़िया होता है, क्योंकि मैं घर पे बर्थडे खरीदा और घर आके हाफ खाया, और अगले दिन सुबह उठ के नाश्ते में हाफ केक खाया, तो इसलिए मुझे लगता है कि ये सब नाटक ठीक है कि छोड़ दे। जैसे अब मैं जब से 18 का हूँ तब से सोच रहा हूँ एब्स आएंगे, अब भैया 31 का हो गया हूँ, नहीं आने वाली है एब्स, अगर तब नहीं आई तो अब नहीं आने वाली, तब तब सेल्फ कंट्रोल ज्यादा था, चांसेस ज्यादा थे, ये सब कुछ थे, लेकिन ये हाँ चांसेस ज्यादा थे, लेकिन ये गेम ठीक है कि छोड़ दिया है, वापस शुरू कर दिया, छोड़ दिया, क्योंकि अगर छोड़ने वाला नाटक भी नहीं करूंगा तो भाई फिर तो सीधे बस पेट ही निकलता रहेगा, शराब ही पीता रहूंगा, ये प्रॉब्लम है। मैं तो मतलब मैं अपनी बॉडी के साथ इतना मैन्यूवर करता हूँ, मतलब फॉर 10 days
अगर मैं इंटरमिटेंट कर लेता हूँ मेरा पूरा, मैं वापस पतला हो जाता हूँ, और जब मुझे ये पावर पता चल गई तो अब मैं जो मैं पेल के खाता हूँ, खूब खाता हूँ, उसके बाद 10 दिन के लिए इंटरमिटेंट करके पूरा पतला हो जाता हूँ, फिर खाता हूँ, फिर पूरा पतला हो जाता, तो मुझे मजा आने लगा। बट ये गेम बहुत जल्दी खराब हो जाएगा एंड देन आई विल बी फक्ड। अभी तो चल रहा है, तो इस समय मैं इंटरमिटेंट कर रहा हूँ, अच्छा पूरा फैट खत्म कर दूँ, पूरा फैट हो जाता है खत्म, एकदम ही बॉडी फैट पूरा गायब हो जाता है, फिर मैं कहता हूँ अरे ये तो मैं कभी भी कर सकता हूँ, चलो फेल के खाया तो जाए। कितने कितनी नहीं देर खाता है? 4 घंटे के लिए खाता है बस? नहीं 4 नहीं, 5 घंटे के लिए खाता हूँ, तो अभी मैं बंद कर देता हूँ खाना खाना जनरली मैं 9:30 कर देता हूँ, तो 9:30 10:30 डिपेंडिंग कि अगले दिन मेट कितने बजे आने वाली है, 5 बजे भी शुरू कर दूँ तो कल मैं 5 बजे खाना शुरू कर दूँ। अच्छा, तो तब मील फिर, लेकिन मील दो करेगा, 5 बजे खाएगा और 9 बजे खाएगा? उतने भी कर सकता हूँ, 6 मील कर सकता हूँ, बस उतनी विंडो में तुम खा ही नहीं पाओगे साथ, वही तो उसकी टेक्निक है कि उतनी विंडो तुमको पहले ही 4 घंटे या 6 घंटे उसमें कितना खा लोगे, खाओ बेटा खाओ, और नहीं खा पाओगे तो तुम्हारे अपने आप की कैलोरी डिफिसिट भी हो जाएगा, प्लस तुम्हारी बॉडी में कीटो जेनेसिस शुरू हो जाएगा, तो मार देगा तुम्हारे फैट काट ओके, चल देगा। मैं करता हूँ ये। इट्स इजी टू डू वंस यू स्टार्ट, पहले 1-2 दिन ही लगता है दिक्कत, सर्वर में दर्द होता है एंड देन यू गेट हाँ, यूज्ड। भारी लगता है। मेरे एक दोस्त ने करा था, तो बेंच हम साथ ही रहते थे, तो कोको से हिसाब से बुलाना शुरू कर दिया था कुत्ते ने, तो फिर मेरा भी इंटरमिटेंट हो जा रहा था। हाँ मैं तो तो हैवी 18 घंटे लगता है, करता हूँ, करके देखता हूँ। मैं परसों बैंगलोर जा रहा हूँ, रमन अपने शो करने जा रहा हूँ, और फिर एक हफ्ता वहीं पे चिल विल भी करूंगा और माइक सेक्स भी करूंगा, थोड़ा बोर हो गया यहाँ पे। हाँ, वो बैंगलोर यहाँ से हो सकता है बेटर ना हो, पर मुंबई तो मच बेटर, मुंबई आ जाओ मुंबई आ वहाँ रहा हूँ आ मैं, जाओ। 6 से 12th आ रहा हूँ ना मैं, तभी तो हम हाँ वो तो हाँ शो भी कर रहा हूँ, तब भी आता हूँ भाई। एक मेरे को एक और कोई जना मिला था, वो कह रहा कि ऐसा क्यों नहीं करते पॉडकास्ट रिकॉर्ड, कि जैसे बॉम्बे जा रहे हो तो रोज दो दो एपिसोड रिकॉर्ड कर दो और फिर महीनों तक रिलीज करते रहो। मैं कहा भाई तुम्हें समझ में आ रहा है ना, ये दो लोग बात कर रहे हैं, हम दो कितनी घंटे बात तक करेंगे, गेमिंग थोड़ी ना कर रहे हैं बहनचोद की, एक साथ रिकॉर्ड कर दिया है, कितनी बात करेंगे, बिल्कुल नहीं लगातार बात करते रहेंगे 6 दिन तक, और फिर ऐसे चार मतलब 2025 तक के पॉडकास्ट शॉर्ट हो गए। कैसी बात कर रहे हो भाई, कुछ करना भी तो पड़ेगा लाइफ में, कि बात करके आए एक हफ्ते में, एक हफ्ते में भी चीजें कम ही होती है, कम कंटेंट देखा है, कम चीजें करी है, ये क्या हो बहन यस को, ऐसे सब शूट मेंटेलिटी टाइप की जो वो होता है ना, मेरे को बहुत ही इरिटेटिंग लगता है भाई की। ये सारे हसलर्स हैं भाई, समझ नहीं रहा है, वो हाँ हसलर्स हैं, वो कहते हैं कि दिन में 24 घंटे होते हैं, अगर एक ही घंटे की हसल 24 बार कर लो भाई पूरा महीना सेट, हाँ उन लोगों से शूट, बहस नहीं कर सकते, हाँ उनको भाई थैंक यू बोलो। स्टूडियो रेंट पे थोड़ी ना ले रहे हो यार तुम्हें, कि बेंच हो, दो तीन तीन चार शोज प्रोग्राम कर दो इसमें, एक एक सेकंड भी वेस्ट नहीं जाना चाहिए इसमें। ये हसलिंग यार बड़ी बहुत डेंजरस चीज है, और बच्चों से बहस करना और भी डेंजरस, मैं तो सबको बोल रहा हूँ थैंक यू यार, ये वाला आइडिया मुझे कभी नहीं आया, आपका पॉडकास्ट सेम बात नहीं रहेगी, हम तो बदलना ही चाह रहे हैं बातें, हम तो बिल्कुल बातें बदल रहे हैं। लोग ऑनलाइन करोगे तो कोई नहीं देखेगा, हम एक्चुअली बहुत हो गए थे वही फैंस चाहते हैं, हमारे, हाँ, कम ये फैंस के टेन उसमें डूब डूब के थक चुके हैं यार, हर बार ही हम कहीं, सड़क पे चलते थे, लोग भाई साहब बोलते थे, अच्छा नहीं लग रहा था। हाँ यार, कहीं भी क्राउड पे जाओ वो बस कंधे पे ही उठा के घुमाते रहते हैं, मेरे पैरों ने जमीन नहीं छुई इतने दिनों से, तो अब हम चाहते हैं थोड़ा सा डाउनफॉल आए ताकि मैं ह्यूमिलिटी सीखूं। बहुत यार बहुत स्टेडियम कर लिया, अब छोटे रूम पे तक, वीरदास के लिए भी तो बहुत कुछ छोड़ा एक है। कोजी कोजी वार्म फजी रूम करना है मेरे को, जिसकी इंटीमेट लाइट सेटअप हो। देखो वार्म रूम तो हमने बहुत कर लिए हैं 50-50 के, अब मैं रेड हॉट रूम करूंगा 2 लोगों का। मैं दीवार पे चिपकाऊंगा और मेरे पैर पे 2 लोग बैठे होंगे भाई, हाँ, मेरा क्यों पता क्यों ही नहीं वार्म चला होते हैं सब। पसीना मेरे को आया कि ऑडियंस को आया, इतने चिपके हुए हम लोग। लीपिंग विंडोज लग रहा है भाई, मैं लीपिंग विंडोज जब भी जाता हूँ आई जस्ट रोस्ट द रूम, 10 मिनट्स ऑफ रोस्टिंग मेरा सेट खत्म हो जाता है। अ लॉट ऑफ पीपल डू दैट वेल। मैंने एक बार बोला था कि ये कमरा नहीं है, ये 2 कमरों के बीच की दीवार है। कहा था आपको यहाँ से आवाज आ रही होगी, उन लोगों को लगता है कि हम तो दीवार पे चुने हुए हैं। आई डिड अ 10 मिनट बिट जस्ट ऑन द रूम इज सो स्मॉल, मैंने कहा आपको दूर, आपको आवाज सुनाई पड़ रही है वहां पीछे तक, और बहुत मजा और एक बारी ना वहां पे कनन शो शुरू करने से पहले उसने कुछ वहां का स्पीकर उठाया, कहता है ये कैसा रूम है जिसका साउंड सिस्टम मैं एक हाथ से तोड़ सकता हूँ, है
ये क्या है. फिर उसके बाद वहां पे चार फाइल्स रखी हुई थी, तो कहते हैं आए हम अकाउंटिंग के लेसन पढ़ते हैं. तो फिर पेड एक फाइल थी, पेड एक फाइल थी, अनपेड एक, थर्ड फाइल थी क्रिस्टलाइज, और फोर्थ फाइल थी शिरीष कुंदन. तो कहते हैं कि यार लोग अकाउंटिंग में सबसे टफ चैप्टर यही कहते हैं, लोग कहते हैं यार पेड अनपेड तो हो गया, मेरे शिरीष कुंदन में बहका रखी है. शिरीष कुंदर इज दिस परा हंस हंस हस्बैंड आल्सो कक हुज व्हाट कक मुझे अपनी वाइफ को सेक्स करते देखते हैं. आई डोंट नो, आई एम जस्ट सेइंग इट. ये कैसा एलिगेशन भाई, बताओ तो सही व्हाट इज. मेरे को कुछ ऐसा लूजर पुसी टाइप बोलना था, तो आई थिंक कक अच्छे से वो करता है encapsulate ki watching our wife having sex with somebody else. This is also a thing where people like but to... yeah, but I've heard nothing about him. This is just a random allegation. Jaise hum log bol rahe the Ekta Kapoor to wo karti hai aur she karwati hai, hai na, wo to kyunki maine suna tha. बट जिसने मुझे सुनाया हो सकता है वो भी ऐसे ही बोल रहा है जैसे तू बोल रहा है. पर मैंने भी सुना था, मैंने भी सुना था. Then it may be, it's probably true. उसमें मैंने और डिटेल हाँ मेरे, और मैंने जब सुना था तो फिर एक कोई उनके ऑफिस से हमारे यहाँ पे मीटिंग भी करने आया था, तो मैंने बाकी लोगों से पूछा था कि ये मेरे को सॉर्जी पार्टी में ले जा सकता है. कह रहे हैं हाँ, बट मतलब ऐसे नहीं लेके जाएगा, एज अ गेस्ट, एज अ पार्टनर ही लेके जाएगा. फिर मैं कहा ये तो नहीं चाहिए मुझे, मेरे को सिर्फ देखने जाना है. ये सब अलाउड नहीं है पार्टी में. बालाजी टेलीफिल्म्स प्रेजेंट्स और के से शुरू होना चाहिए उनका, सारे चीजों का नाम के से शुरू होता है. कुत्तों की ऊपर बोल रहा है कि आई एम कमिंग, कह रहे नहीं बोले कमिंग आई एम बट विद अ के. तो क्या उससे पहले कुछ बोल रहा था ये ऑर्जी पार्टी से पहले कक इज आल्सो this is a thing. No, there's no limit to fetishes that people can have. Tu kuch bhi soch le, log ped ke sath bhi sex kar rahe hain uske bhi video mil jayenge. It's just crazy dude, people have left nothing to imagination, sab unhone kar diye. To agar tu kuch bhi aise guess kar ke bole yaar ye to kisi kamre mein agar tu bole yaar wo to gilehriyon ke sath ek banda milega yaar mujhe bahut pasand hai wale video. मेरे को पार्टनर कोई भी हो, बस रूम में गोबर के वो कंडे लगे होने चाहिए. ये तो बहुत इंडिया मोस्ट ऑफ द सबअर्बन ऑडियंस, दिस इज नॉट अ वो उनको फेटिश नहीं, वहां पे मजबूरी कहते हैं. अरे ये तो मेजॉरिटी का फेटिश थोड़ी है, ये तो बहुत क्या है तुम. हां कह रहे हैं भाई साहब, हमने सुना आप हमारे हालात पे एक वीडियो बनाने वाले हैं. पता चला ये वीडियो के व्यूज अचानक 10 बिलियन. इंडिया हैज बाय द वे बीट चाइना पॉपुलेशन में, हम लोग आगे हरा दिया. Fucking big moment for us, भाई साहब. ये तो this is bigger news than RRR. क्या बात है, ये तो इसमें कोई celebration ही नहीं हो रहा है. आए मतलब Twitter पे लोगों ने डाला, कुछ लोगों ने और joke मारने की कोशिश करी है, but like it's too sad. We don't want to. Yeah. China ने तो लगा रखा है कि एक ही बच्चा allowed. You can only have one kid. India में तो हमारे यहाँ पे ऐसा है कि आप अपने घर के डायनामिक के हिसाब से करिए, कितनी प्रॉपर्टी है उस हिसाब से करिए. अगर कम है तो आई थिंक दिस इज अ बेटर रूल डूड, दिस इज अ बेटर रूल. हाँ कि कम है अगर प्रॉपर्टी आपके पास तो ज्यादा कर लीजिए, ताकि थोड़ा हंगर गेम्स हो घर में. अगर ज्यादा है तो कम करिए. आई एम थिंकिंग कि तुम्हारे वो अर्निंग ब्रैकेट के हिसाब से तुमको अलॉट होंगे कि अच्छा तुम 1 करोड़ कमा दो. हाँ लेकिन वो बोले कि सर मैं अभी कमा रहा हूँ 35,000, पर मेरे में पोटेंशियल बहुत है. एक बारी मैं अब फोकस करके करूंगा ना, तो मैं बच्चा भी से कर लूंगा, तक तो मैं 4 साल में फोकस सीख जाऊंगा, चिंता मत करिए आप. तो इसलिए मैं तो बच्चा 4 साल हो जाएगा ना, अगर 9 महीने तक के अंदर अगर आप कर सकते हो देन यू डू. हाँ तुम्हारा ग्रोथ भी इतनी तेज होना चाहिए. चाइना में तो वो सीन है कि दे आर इम्पोर्टिंग विमेन.
क्योंकि वहां पे लड़के बहुत हैं, लड़कियां कम है, तो एज सेक्स स्लेव्स बुला तो ये जो वेबसाइट है जहां से बुला सकते हैं, एक बार मेरे को लिंक भेजेगा पर छोटा चाइनीज सा? में तो पढ़ नहीं पाएगा, गलत क्लिक कर देगा और अरे कुछ हाँ नहीं होगा यार, हाँ साला, फिर शिपिंग विपिंग कुछ अलग से एक्स्ट्रा वो ले लेंगे, रिटर्न भी भाई। नहीं हो पाएगा वो यार। 99 रुपीज तेरे कट जाएंगे फालतू में। अरे और तुझे चाइना जाना पड़ेगा, इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट थोड़ी। ये अच्छा हाँ तो तुझे सही है लड़की भाई। चाहिए ना, तू तू आई थिंक एक्सपोर्ट तो नहीं कर। गुड टाइम टू अनाउंस इंटरनेशनल टूर, हम आ रहे इंटर हैं। असली मर्द लेके, तो असली मर्द के शोज इस साल हैं बॉम्बे, बैंगलोर, दिल्ली और बीजिंग। क्या क्या सीन होगा यार चाइना में, क्या सीन होगा कॉमेडी का? वो तो अलाउ ही क्या नहीं करते कुछ बोल, सटायर वहां पे हो नहीं सकता, अलाउड नहीं है, जेल हो जाएगी, डिसअपीयर सटायर नहीं करेंगे। करते होंगे ये सब? ये बिल्ली कुत्तों पे तो करते ही होंगे जोक, क्या हो गया? चाइनीज कॉमिक्स तो आते ही भाई वहां से खाने पे जोक करोगे। हाँ चाइनीज ना? कॉमिक आते हैं बट मतलब दे हाँ आर नॉट रियली बेस्ड इन चाइना, दे आर चाइनीज कॉमिक्स हु लिव इन अमेरिका, दोज आर बेटर चाइनीज कॉमिक्स, या जॉनी जो भी हो, चाइनीज मतलब इमिग्रेंट्स को एटलीस्ट देर अदर फिल्म एंड अदर कल्चर इज वेरी स्ट्रॉन्ग, तो आई एम अज्यूमिंग स्टैंड अप वुड आल्सो बी वेरी स्ट्रॉन्ग। मैन देर वाज अ, याद है कॉमेडियंस ऑफ द वर्ल्ड रिलीज हुआ था, उसमें मैंने कई बार काफी सारे अलग अलग लैंग्वेजेस वाले सबटाइटल ऑन करके देखने की कोशिश करी थी, बट मजा सा नहीं आया था मेरे को बिल्कुल भी। बहुत खराब है भाई, एक भी अच्छा नहीं। मैंने सारे कंट्रीज के देखने की कोशिश, सभी खराब। एक उसमें अगर अच्छा होता तो मैं मानता कि ये आई प्रोजेक्ट थिंक दैट क्रिस डेलिया वगैरह भी था उसमें, बट क्रिस डेलिया भी देखने मेरे को मजा नहीं आया उसमें। इज द वर्स्ट वर्स्ट सेट मे बी ऑफ क्रिस डेलिया। क्रिस डेलिया के अगर अच्छे देखने हैं तो यूट्यूब पे मिल जाएंगे, बट डूड दैट इज वेरी बैड। या क्रिस डेलियस फर्स्ट स्पेशल वाज वेरी गुड, वो बहुत अच्छा स्पेशल था उसका। और मुझे उसके तो यूट्यूब थोड़ा के ब्लैक लग रहा है, लाफ क्लब के वीडियोस बहुत अच्छे थे उसके। हाँ बहुत फनी है, जिसमें एक में ड्रेक का मजाक उड़ाते बोला याद है, बहुत या ही अच्छा ओ लगा आई एम क्राइंग सो मुझे। हार्ड, आई क्राइंग क्राइंग कैन फाइंड माय क्राइंग रिफ्लेक्स, क्राइंग इन द शावर। इन द शावर। अरे वो आई एम ऑन इट, फक इट, आई एम ऑन इट, ऑन व्हाट, ऑन फॉर व्हाट, मोको, बिकॉज़ ही डिडंट से एनीथिंग, आई गेट टू डिसाइड, ही इज ऑन अ मोपेड एंड ही इज वेयरिंग अ फेडोरा। बहुत बहुत वो क्राउड बहुत फनी कर अच्छे रहे हो, होते, बहुत बहुत बढ़िया करा था भाई उसमें, उसने कहा था, और उसमें प्रॉपर वो था प्रेमिस उसके, कहता ही मेक यू फील बैड अबाउट शिट दैट इज एक्चुअली ब्रैगिंग, कहता हाउ एम आई सपोज टू पुट माय डिक हार्ड इन दिस गर्ल्स माउथ दिस मॉर्निंग व्हेन आई हैड सेक्स विद अ डिफरेंट गर्ल लास्ट नाइट। I lost my Rolex in my mansion. तो ये था क्रिस डिलिया के सारे उस टाइम के वीडियो, जो 2 या 3 बहुत ही फनी वीडियोस थे। उसके बाद अभी उसने रिसेंटली क्राउड वर्क डाला, बहुत ही फनी, देखना गौतम, तुझे, गौतम सिटी सेंटर से ना, वो गौतम वाले क्लब से, जिसमें एक इंडियन बंदा या कोई वो नहीं वहां देखा पे मैंने साइड में होता है वो? भाई। नहीं, नहीं नहीं, देखा। इंडियन बंदा दिखता नहीं है, एक बंदा है क्राउड में जिसका ये मजाक उड़ा रहे, ही इज वेरी ड्रंक, ही इज इंडियन डूड, इट्स वेरी फनी, वॉच इट, आई हैवन बहुत सीन ही इट। फनी। मैं जो एक गौतम कॉमेडी क्लब से उसने डाला था जिसमें 3 इटालियन डूड्स होते हैं और किस एस्टेलियो ऐसे कुछ नाम होता है उसके, उसका वो मजाक उड़ाता है वो, लेकिन उसका क्राउड वर्क बहुत अच्छा था वही। तो वही है वो, बहुत ही दिस फनी आल्सो वेरी, मतलब नीड टू वर्क द रूम टू स्टार्ट इट, और ये वैसा था, यस इट्स ग्रेट स्किल। उसमें उस टाइम पे एक यस और इट इज कॉमिक वेरी था, डिफिकल्ट। हाँ बोल बोल बोल, हाँ क्या कह बोल रहे थे? बोल। अरे नहीं सर, नहीं मैं कह पहले रहा हूँ आप कि बोले। मैं कह रहा हूँ ही कैन थिंक ऑन हिज फीट वेरी वेल ना, तो मतलब वो उसमें बहुत ही परफेक्टली दिख रहा है, ही इज नॉट फोर्सिंग द जोक, ही इज सिटिंग ऑन इट, ही इज थिंकिंग एंड देन ही सेज इट्स वेरी वेरी फनी। एंड देन टर्न्स इट इनटू एन एक्ट आउट, फकिंग या जस्ट मतलब रिफ्स ऑन इट एंड देन टर्न्स इट इनटू एन एक्ट आउट, और बहुत बढ़िया एक्ट आउट करता है। उसके टाइम पे एक और कॉमिक उसके साथ था, ब्रेंट मॉरिन, मेरे को बहुत अच्छा लगा था ब्रेंट मॉरिन उसके कुछ कुछ क्लिप्स। फिर उसके बाद उसने स्पेशल डाला था, वो स्पेशल देखने में बिल्कुल मजा नहीं आया था मेरे को, और वो उसमें भी आया था, नहीं स्पेशल में नहीं आया था, आई थिंक वो जो स्टैंड अप्स नहीं आया था जिसमें जो लिस्ट भी आया था, मार्क नॉर्मन भी आया था उसमें, उसका बहुत खराब सेट था हाफ एन आवर का। भाई मैं बता रहा हूँ ना, ये नेटफ्लिक्स वगैरह डालना ही नहीं चाहिए, ये सारे शोज जिसमें वो बोले कि हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तुम आगे करो, करो ही मत, डू योर ओन
production, produce your own special and put it up if they want. Otherwise, that's open. You need to do that also. Yeah. Have you seen Judah Freelander's yes. USA is the best. Just United States is the best state, best country in the world. Is kuch tha. That is what... US is the best country in America. Yeah, USA is the best country in America. वो भी बहुत अच्छा स्पेशल था. वो भी उसने खुद शूट करा हुआ. आई थिंक वो उसने फोन या उससे कैमरा रख के खुद से शूट करा है. हर रोज रख देता था क्राउड में, सेलर में कैमरा, और फिर उसको एडिट करके उसने स्पेशल बनाया. बहुत बढ़िया स्पेशल है भाई वो भी. तो उसमें लिख लिख के भी आता है. बेसिकली चार या पांच अलग अलग लोकेशन पे है, अलग अलग शोज की क्राउड वर्क करता है ना. तो क्राउड वर्क में तो एक शो में सारा इतना खास आने की चांसेस कम है, इसलिए यू डू मल्टीपल शो. तो उसने अलग अलग वेन्यूज पे किया है. Very very good material भी किया है. Obviously उसका material, material भी किया है. Yeah. Merges in the crowd work. He asked no. the question जो लिखे हुए हैं. हाँ, तो उसने इतने एक बार ही क्वेश्चंस पूछ लो तो तुम्हें समझ में आता है लोग क्या बोलेंगे, और फिर उसके बाद उसमें तुम मटेरियल लिख सकते हो. इट्स अ ग्रेट टेक्निक की वो यू कैन पुट अप एन एक्ट दैट पीपल बिलीव दैट यू थॉट दिस राइट नाउ, बट इट्स एक्चुअली जस्ट प्रिपेयर्ड मटेरियल एंड वर्क्स वेरी वेल. और ओवरऑल इफ यू सी ही इज नॉट इवन ट्राइंग टू फूल यू. उसने डाल भी दिया है, तो अलग रूम पे भी क्वेश्चन पूछता है. इट्स नॉट लाइक ही इज ट्राइंग टू फूल, ही जस्ट उस रूम में उस दिन जो लोग बैठे हैं उनके लिए वो एक्ट है. एंड दे आल्सो बट बहुत ही मस्त या. और फिर टॉड बैरी भाई, भाई टॉड बैरी का टॉड बैरी तो बढ़िया है भाई. तो उसका क्राउड वर्क देख के तो मजा ही आ जाता है. हां बट ये नेटफ्लिक्स अरेंज्ड आई थिंक अजीब सही है ये कुछ कुछ. और ऑल्सो आई थिंक दे फॉल इनटू अ ट्रैप ऑफ की एक बड़ा सेट जिसमें बैंजो चकाचौंध कांडे फट जाएंगी सबकी, ऐसा एक सेट होगा, ये लिखा होगा वो लिखा होगा. आई थिंक वो मतलब बट खैर लोगों पे डिपेंड करता है. मैं तो बहुत आई एम जस्ट वेरी थ्रोन ऑफ बाय ये चकाचौंध ऑफ शोबिज़. इट ऑलमोस्ट नेवर वर्क्स. ऑल दिस ग्रैंडियोस इन स्टैंड अप विल नेवर वर्क. पीछे तुम्हारे दीवार पे 50 चीजें बनी हैं और वो तुम्हारे सेट की हिंट्स, और वो खराब ही करती हैं. कभी अच्छा नहीं होता. द बेस्ट स्पेशल्स विल कम आउट ऑफ ऑल दी स्टैंड अप रूम्स. प्रैक्टिस करी है उसी में तो करोगे तुम बढ़िया. एक नए उसमें रूम में जाके तुम्हें नहीं पता है कहाँ क्या चलता है क्या वो करते हैं. साला जब माइक स्टैंड वो लीवर वाला हटा के वो पुराने जमाने वाले जो खोल के करते थे वो करते थे, ऐसा लगता है ओ भाई खत्म, मेरे दो तीन बेंच जोक चले गए जिसमें मेरे को बीच में लगा के करना पड़ता था, हटा के करते क्या है ये, इसमें सेट करने में इतना टाइम लग जाएगा. फैमिलियरिटी बहुत जरूरी है. तो मतलब सारी चीज तुम जाके स्टूडियो रेंट करके उसको सेटअप बना के वहां पे ऑडियंस को बेंच अजीब अनईजी कुर्सियों पे ऊपर उठती हुई कुर्सियों पे बैठा के कर रहे हो, क्या है भाई. किसी और नेचुरल सेटअप में देखो तो वो कुछ एक्स्ट्रा ही किल करता है, ये इसके बावजूद अच्छा है, वैसे नहीं आया. ये बस वही है कि प्रोडक्शन वैल्यू के नाम पे लोगों ने इतना चढ़ा दिया कि बहुत ही हाई प्रोडक्शन वैल्यू होनी चाहिए. भाई स्टैंड अप में अगर प्रोडक्शन वैल्यू का गेम होता तो सबसे अमीर लोग ही कॉमेडी, फिर तो शाहरुख खान बन जाता बेस्ट कॉमिक दुनिया का. व्हाई वुडंट ही एंड और एनीबॉडी, बिल गेट, शाहरुख खान बन सकता है. बैड एग्जांपल, सॉरी. मार्क ज़करबर्ग वुड वांट टू एंटर एवरीथिंग, वो जुजुत्सु कर रहा है अभी, सब कर रहा है. वुडंट ही वांट टू, एवरीबॉडी वांट्स टू बी फनी. आई थिंक इलॉन मस्क वुड बी द परफेक्ट कैंडिडेट फॉर दिस. ही वुड, हाँ उसको बहुत मन होता है ये करने का और अच्छा करने का, और वो ऐसा सेट बनाता बहनचोद की बस हर समय इवॉल्व हो रहा है. ऑडियंस जो देख रही है उनकी फीलिंग कैप्चर करके अपने आप एआई के हिसाब से वॉल चेंज कर दे रहा है, ऐसा कुछ बना देता. कर ही देगा यार. अभी मैं देख रहा हूँ ये डेड हो गया, बाय द वे मेटावर्स पूरा फ्लॉप हो गया, लेकिन लगा हुआ है मार्क ज़करबर्ग का भी नया कुछ क्वेस्ट वर्जन 50 कुछ आने वाला है, जिसमें जो तुम कार में बैठ के भी काम कर सकते हो, मूविंग वो बन के भी काम कर, पता नहीं क्या क्या है. काम ही करवा रहे हैं यार, कोई रेस्ट नहीं करने दे रहा है कुछ. मैं तो भाई गेम में तो खिला ही रहा है, गेम तो है ही इसमें. बात वो कह रहा है कि काम भी करो तुम, वहीं पे बैठ के मीटिंग्स कर लो, मिक्स्ड रियलिटी वर्चुअल रियलिटी सब मिला दिया उसने. एक एक मैं देखा था वीडियो जिसमें कह रहा है कि ये पहनोगे तुम हेडसेट, और हमने ना ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट किया उसमें एलियन टाइप के, हमने
क्यूट क्रीचर बना दिए, तुम उससे इंटरेक्ट कर सकते हो, एक ऐसा जैसे तुम पेट्स के साथ खेलते हो वैसे तुम हमारे ये मिस्टिकल क्रिएचर्स के साथ खेलोगे, वही वो बैठ के खेल रहा है ये सब कर रहा है, उसने पूरी जान अपनी झोंक दी है और फेसबुक के एम्प्लॉयज को फायर कर दिया है वो घर पे बैठ के कोसते हो कि बेंचो अपने फालतू गेम के लिए तुमने हमारा जीवन बर्बाद हाँ किया। बहनचोद, तो क्रीचरों के लिए इतनी एम्पथी है तुम्हारे में, हमारे लिए थोड़ी सी भी नहीं अब तो असली है यार, अब तो है। मिक्स रियलिटी। कस्टमर इज किंग बट एम्प्लॉयज आर डिस्पोजेबल This ऑलवेज। is true for most companies. या होटल मैनेजमेंट में ही करते थे सबसे ज्यादा, भाई के साथ ही बेचारे, कि कस्टमर कभी वो नहीं है, जो क्लाइंट है वो हमेशा सही है, कह रहे तो फिर एम्प्लॉय भी तो इंसान ही है भाई, वो क्यों नहीं होएगा सही, उनके लाओ हम वर्कर्स ही का तो नहीं और आपको। दाल खा लें, हम भी कस्टमर हाँ बन जाए, हमारी बेइज्जती कर रहा है। रोज घर आके और रोज ऑफिस आके एक दाल ऑर्डर कर रहा है बंदा। तेरे रिग्रेट्स क्या है भाई? ओ, What you हाँ तू बता। मेरे रिग्रेट्स, अगर मैं थोड़ी सी और मेहनत कर लेता 11th 12th में तो मैं अच्छे कॉलेज चला जाता, बेल्लोर नहीं जाता, ये है एक रिग्रेट। फिर हाँ उसके बाद मैंने बहुत साल बहुत अपने आप को डेस्परेटली पोर्ट्रे करा है, दैट मतलब द काइंड ऑफ डेस्परेशन आई शोड, आई डिडंट इवन वांट टू गेट लेड दैट बैड। तो हाँ गोइंग बैक और जस्ट लाइक एक्ट लाइक अ लिटिल नॉर्मल। अरे वो तो तू चेंज, हाँ वो चेंज नहीं कर सकती क्योंकि उस टाइम तेरी ग्रोथ ही नहीं हुई, मतलब वो तो एज अ यंग पर्सन दैट इज व्हाट यू डिड, बट सही है हाँ दैट इज नॉट अ बैड थिंग। मतलब माय आइडिया ऑफ व्हाट अ रिलेशनशिप वुड बी ऑल्सो केम फ्रॉम मूवीज, तो आई जस्ट थॉट यू हैव टू ओवर सेल योर फीलिंग्स, एंड जितना मैं तो बहन जो इतना प्यार की कोई हिसाब नहीं लगा सकते तुम, कैलकुलेटर फट जाएंगे सारे, ऐसे सब टाइप की जो बकवास, वो मैं अगर पिक्चरें देख के ना करी होती तो मेरे को हाँ आज ऐसा, मेरे को बैठे बैठे नहाते टाइम क्रिंज नहीं हो रहा होता कि मेरे बारे में बहुत सारी लड़कियों के पास कुछ बहुत एम्बैरेसिंग इन्फॉर्मेशन है कि मैं क्या कुछ छूतिया करा हुआ है। तो ये आई थिंक ये इस तरह की चीजें सबके पास कुछ ना कुछ होंगी क्योंकि व्हेन यू लुक बैक आई थिंक तुमने बहुत ही क्रिंज हरकतें करी होती। मैं हाँ हाँ और बता। मुझे ये डब्बा दिख गया था इसलिए मैं बोल रही हूँ, ये डब्बा है ना, ये डब्बा है, दिस इज अ स्निफ बॉक्स है ना, फोकस बॉक्स। ये हाँ एक्चुअली मैं फील्ड कॉपी में काम करता था तो वहाँ के जो जो को फाउंडर्स थे वो गए थे न्यूजीलैंड गए थे या कहीं और वहां से हाँ लेके आए थे, लेके आए थे वो आई थिंक ध्रुव, ध्रुव जो लिटिल थिंग्स वाला बंदा नहीं है ध्रुव, उससे मांगा होगा तो वो उसको दे रहे थे। आई सॉ इट एंड आई एम सो जुबिनाइल एट दैट टाइम और मतलब बदतमीज भी, मैंने बोला अरे ये तो मुझे चाहिए और मैंने ले लिया एंड दे डिडंट से एनीथिंग, दे वर वेरी नाइस बोथ ऑफ देम डिडंट से एनीथिंग बट आई शुड हैव बीन लाइक लाइक मोर मैच्योर कि उसके लिए ही वांटेड इट, उसने बोला भी होगा जो भी है, दे वर ट्राइंग टू गिव इट टू हिम और मैं उठा लिया। तो ये एक रिग्रेट है, मुझे बड़ा शर्म आ रही है अपने ऊपर बट अब तो मैं यूज करता हूँ, मैं आई विल गेट हिम, जब मैं अपोलोजाइज करूंगा उससे पहले आई विल गेट हिम वन फ्रॉम न्यूजीलैंड, यही वाला लेके आऊंगा बड़ा लेके आऊंगा एंड आई गिव इट टू हिम, दिस इज वन रिग्रेट। हाँ आप तो बताओ। ये तो तूने काफी इम्पर्सनल सा रिग्रेट बताया, मैं तो कुछ ज्यादा ही फिर शेयर कर मैं पर्सनल भाई, दिया उसके पर्सनल है भाई, मैं तो नाम बता दिया बंदे का, मेरी गलती बता दी, ये भी बता दिया, दिस इज साथ। वे ओके मोर अच्छा, पर्सनल, तू तो वेग बातें बता। और इस टेरिटरी में बहुत है कि कई बार कोई ऐसी बस मजाक कर रहा है, मैंने अननेसेसरली बदतमीजी कर ली, या फिर किसी ने मेरे से बदतमीजी करी और मेरे पास उस समय परफेक्ट कमबैक नहीं आया, या फिर कुछ मैं सोचा बोलना नहीं चाहिए, जाने दिया। तो अब डिपेंडिंग ऑन माय इक्वेशन विद देम, कि समबडी हुज नाइस टू मी नाउ, मुझे लगता है मुझे अननेसेसरली उनसे बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी, और जिससे मेरा रिश्ता खत्म हो गया तो मुझे लगता है तो गाली तो दे ही देनी चाहिए थी फिर उस समय, तो इस दैट इज टाइप। बेटर रिग्रेट ना हाँ कि वो उस, गाली मिस हो गई थी। हाँ वो गाली मिस हो गई, तो ऐसे टाइप के रिग्रेट्स बहुत सारे हैं। ये बहुत करते हैं ना जो मार्क नॉर्मन वगैरह में कोई भी देखता हूँ भाई, मार्क नॉर्मन ने तो एक हद ही कर दी यार, एक देखो वजाइना देखा भेजा था दैट ना वाज वो। जस्ट द पीक, दिस इज पीक मार्क नॉर्मन, एवरीथिंग इन लाइफ भाई बस कर रहे थे इंग्लिश। हाँ तो क्या बोल रहा था और कौन सी रिग्रेट बता रहा था क्या मैं रिग्रेट बता रहा हूँ, मेरी भी है बहुत सारी, बस मुझे
एक तो एक लड़की पे मैंने विश्वास करके उसको उधार दे दिया था पैसा। इस लड़की ने मेरे को बोला कि शाश्वत यू नो आई नीड इट, तो मैं कह रही दोस्त तो है ही दे दे, बट मैं भूल गया कि दिल्ली की लड़कियां आरामी होती हैं। यू शुड नेवर गिव मनी, डोंट डोंट, इवन इफ यू हैव अ सॉफ्ट स्पॉट, इवन इफ यू सम सम टाइम सेड आई लव यू टू दिस गर्ल, नेवर गिव मनी। हाँ, पैसे तो नहीं उधार देने चाहिए भाई। मैं तो अपनी नहीं बीवी नहीं को नहीं भी ना दो लड़की पैसा उधार। मैं बीवी से ले ही लूं दूंगा, मैं तो बीवी से ले लूं पैसे, दूंगा मैं तो, मैं कुछ वो भी रखवा लूं दे जैसे दे उसका उसका बुलाए बच्चा सारे जेवर नहीं, घर के पेपर बच्चे को ही ब्लैकमेल करूंगा कि अगर बच्चे से हाथ धोना चाहती हो तो फिर मत लौटाना पैसे, रखे रहो कभी। वो कहेगी बच्चे के हाथ धुलवा दो तो जाओ यही काम है तुम्हारा। चल, एक उधार हो गया। और कुछ एकेडमिक लाइफ में कुछ ऐसा रहा है? चल मैं तीन, घटिया पढ़ाई नहीं मैं करता नहीं तेरे को नहीं मतलब ब्रॉड कैटेगरी दे देता हूँ सोचने के लिए, क्योंकि तेरे को याद नहीं आ रहा ना। ऐसे एकेडमिक लाइफ में कुछ ऐसा करना चाहिए था जितना तूने एमएमए या कोई और स्पोर्ट वगैरह करा है उसमें कुछ, और डेटिंग में और कोई? डेटिंग नहीं, डेटिंग में मेरी बस एक ही रिग्रेट है कि मैं कई बार ना ऐसे जोक करते करते, द थिंग इज आई डोंट रियलाइज कि नॉट एवरी टाइम यू हैव टू जोक। मैं क्या करता हूँ कि मैं ऐसे कुछ तो मजाक कर रहा हूँ, वो एस्केलेट होता जा रहा है, एंड देन आई सी कि वो सीरियस हो गया, लेकिन मैं गुस्सा हो जाऊंगा तो मैं बाद में उसको एज लाइक अ रियल फाइट बना दूंगा, बट इट वॉज अ जोक ओनली दैट एस्केलेटेड। ये मेरा कई बार हुआ है करीमा ही, मतलब इट्स मोस्टली द बेरर ऑफ द ब्रंट इज करीमा, तो वो एक रिग्रेट है, आई शुड बी अ लिटिल मोर केयरफुल अबाउट दिस। बट ये रिलेशनशिप में तो यही है, बाकी मेरी कोई खास रिलेशनशिप रही नहीं। I have one long English. मेरा ये सब बिल्लियों बिल्लियों का बहुत सारा वैसा रहा है कि जब जब मैं बीच में दिल्ली 1 महीने के लिए आया था तो भाई को बोल दिया खाना दे दियो, उसने दिया नहीं या गायब हो गए, तो वो मुझे लगता है कि इससे अच्छा मैं कहीं और उनके लिए कुछ कहीं डाल जाता या घर रख लेता। ये सब कुछ, ये सब के वैसे रिग्रेट हैं, बट उसमें क्या ही क्या ही पेट क्या ही वाला, कर सकते। हाँ, बट उसमें हाँ क्या ही पेट कर में तो सकते। मेरा रिग्रेट भी नहीं है, मैं तो व्हाइट वाली को थप्पड़ मारता हूँ, बदतमीज हर वो चीज बिल करता बिल बिल्लियों को हरास करने में बहुत मजा आता है, परेशान हूँ। करने में, है कि गर्दन पकड़ क्या चल रहा है ये कर रहा है, वो सब कुछ तो करने में बहुत मजा आता है। लेकिन वैसे नहीं आता ना कि गायब ही हो गई, कुछ वो हो गया। हाँ, तो जो तुम बट बोल रहे हो ना चार किटन्स तेरी जिनमें मतलब कुछ गायब होगी, हो सकता है वो मरी ना हो, कुछ ऐसा भी हो सकता है कि वो इन इनसाइड आउट, हो सकता है वो कई टाइम बाद वापस आए, बहुत टाइम बाद वापस आए, थोड़ी बड़ी हो गई, इट इज पॉसिबल, इट्स हो सकता है अनलाइकली। हाँ, बिल्लियों उनको एंटीला में नौकरी मिल गई हो, ये भी हो सकता को तो बहुत देते हैं वो ना, है। तो एंटिला इज हाँ, अ ह्यूज मतलब फैन ऑफ इस स्ट्रीट फील्ड कैट्स, विद कैट्स। या उनका मतलब एक 7th फ्लोर। मैं अपने भाई से ये बोलता रहता था, हो सकता है कहीं कहीं हुई हुई, कह रहा है क्यों डिनाइल में जी रहे हो, मर गई होंगी ट्रक के नीचे आ गई होंगी। मैं कहा भाई तू कैसा रियलिस्ट यार। है वो, फाइनेंशियल और कोई फाइनेंशियल कोई और रिग्रेट है मेजर? रिग्रेट। हाँ यार मतलब वो रिग्रेट नहीं है, वो तो बस ये कि अभी तक हुआ क्यों नहीं रिग्रेट थोड़ी कहेंगे, ये तो फ्यूचर की बात है कि हाँ, भाई मेरे जो करोड़ों अरबों रुपए होने चाहिए तो वो कहाँ है, दैट इज नॉट, आई डोंट थिंक दैट इज ट्रू। मोनेटाइजेशन भी रुका हुआ है चैनल का। 30 डॉलर रुक गए, हम क्या अरबों की बात कर, बट वही दैट इज नॉट अ रिग्रेट, दैट इज जस्ट समथिंग आई नीड टू वर्क, बट भाई, ऑल्सो बट तू ये देख, मोनेटाइजेशन रुका हुआ है, बट हमारे पास अपने फैंस का सपोर्ट है कि वो टाइम टू टाइम 30 रुपए भेज देते हैं, जिसमें से 15 रुपए हमारे पास आते हैं। लव माय फैंस, आज हम जो भी हैं आपकी वजह से ही हैं, वरना तो क्या ही होते हैं। देखिए मतलब मुझे इतना प्रॉब्लम उसका भी नहीं है मोनेटाइजेशन अगर वो रोक भी दें, बट द थिंग इज वो चैनल का जो फ्लैग जो उन्होंने कर रखा या कि इट स्टॉप्स द वीडियो फ्रॉम ग्रोइंग, दैट इज व्हाट बॉदर्स मी। मेरे को भी सेम ही एंड वो अब मुझे और वीडियो, मैं आई वांटेड टू पुट लाइक मोर थिंग्स ऑन द पॉडकास्ट चैनल, अब मैं कैसे डाल, हो सकता है मैं डालूं, आई वाज थिंकिंग स्केचेस वगैरह डाल सकते हैं, बहुत सारी चीजें करने का मन होता है, बट ठीक है एक दो डाल के देखेंगे क्या है भाई, मोनेटाइजेशन नहीं करेंगे नहीं करेंगे, मैं पूछने की कोशिश करूंगा यूट्यूब में किसी से, अपना मेरा भाई फेसबुक में उससे बोलूंगा अगर कुछ जुगाड़ो तो उससे बात कर ले, पर ना ठीक है अगर नहीं करेंगे नहीं तो मैं कह तो रहा हूँ, एक नंबर वन भाई साहब बना देंगे यार चैनल, क्या होगा, उस पर डाल देंगे। यार द इनिशियल थिंग देन इट्स वेरी क्रेजी इट टू हैज, इट आल्सो हैज सम वैल्यू टू इट, मतलब इट्स या आल्सो
वेरी फन ट्रेसिंग इट कि क्या कैसा हुआ था कैसे. मेरे को जैसे अभी जब मैं फर्स्ट पॉडकास्ट यहाँ पे रिकॉर्ड कराने आया था तब हाँ. मैं उस दिन सुबह सुबह वो देख के आया था स्पाइडरमैन, मेरे को याद है तब, क्योंकि शायद आई आई थी तो वो मतलब वो सब कुछ वापस देखने में मजा बहुत आता है. और आई एम तो सकर फॉर नॉस्टैल्जिया, तो मैं वापस जा जाके बहुत सारी चीजें बहुत वो देखता हूँ. एक हर चीज बाद में बताऊंगा, कुछ ओपन माइक बिचिंग ही है. एक ग्रुप नहीं था जिसपे तुमने लिखा था स्टारबक्स कॉफी फीकी थी, एक एक फेसबुक ग्रुप था ना जिसमें तुमने लिखा था हाँ मैं गया था स्टारबक्स कॉफी भी फीकी थी और फिर तेरे को निकाल दिया था उस ग्रुप से. मैंने लिखा था हाँ, ओपन माइक ग्रुप था दिल्ली में, एक ओपन माइक ग्रुप चलता था. तो वो ग्रुप में जाके थोड़े दिन पहले से ही वापस से पढ़ रहा था और ऊपर की चीजें जाके पढ़ रहा था, तो बहुत सारी बड़ी बड़ी चीजें थी. अब ये खत्म होगा तो फिर बताता हूँ तेरे को, बहुत मस्त मस्त होते हैं सुनता है. लेकिन वो ये मेरे को बढ़िया लगता है कि ये सब चीजें डॉक्यूमेंटेड रहती हैं, फिर ये सब कहीं नहीं जाती हैं, तो तुम वापस से रिविजिट कर सकते हो कि किसकी क्या वैले वाइब थी, क्या पर्सनालिटी थी. सो यू कैन जस्ट ऑलवेज गो बैक एंड रीड इट, इट्स अ लॉट ऑफ फन. तो ये मैं भी फिर बिचिंग बताऊंगा अभी. बिचिंग ही बताते हैं फिर तो खत्म ही करते हैं. थैंक यू सो मच गाइस, 9th जून को आ जाइएगा, लाइव शो हो रहा है बॉम्बे में. हां लोअर पर है. नहीं नहीं अरे जेफ गोल्डबर्ग वो है यार खार में. तूने नया जेफ गोल्डबर्ग वर्क में नहीं परफॉर्म करा था जब ये देवांशी वगैरह बीच में चलाते थे? नहीं, इट्स अ वेरी गुड रूम. ओके, आई वाज अज्यूमिंग इट्स इंटीग्रल इन लोअर पर. नो, इट्स खार ओनली. ठीक है, तो जेफ गोल्डबर्ग इन खार, तो खार इज मच बेटर देन लोअर पर. लोअर पर में बहुत ट्रैफिक मिलता है मुझे. या 9th जून 10 PM, तो इट्स आल्सो फ्राइडे 10 PM, तो वो वापस से गुड स्लॉट. सही है. मैं भी लिंक डाल दूंगा. अभी तक मैं इंस्टाग्राम एक्चुअली यूज नहीं कर रहा काफी दिन से. आज हाँ, कोई दिक्कत नहीं, अभी तो बहुत टाइम है शो में. चलो थैंक यू सो मच. चलो बाय बाय.